अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग और आपको कहते हैं खुशामदीद द मॉर्निंग शो में एक नई सुबह के और एक नए दिन के आगाज़ के साथ, और हमेशा से इस दुआ के साथ भी कि आपका दिन अच्छा गुजरे और आप भी दूसरों के लिए अच्छा रहें। बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है कि अक्सर ये होता है कि आपका दिन तो अच्छा गुजर ही जाता है, लेकिन कई दफ़ा आप ही की किसी कोताही या हमाकत की वजह से किसी और का दिन अच्छा नहीं गुजरता। तो कोशिश कीजिए कि जहाँ पर अपने दिन को बेहतर बनाने की आप जस्तजू में लगे रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की जस्तजू में लगे रहते हैं, अगले को भी उतनी ही स्पेस और मार्जिन दे। एक अच्छी बात इसी से लिंक्ड और जो मैंने आज सुबह ही पढ़ी कि आपके वो अल्फाज भी तोहफा हैं जो दूसरों को ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। तो अल्फाज का चुनाव और किसी को सुनना और उसके बाद सुनकर किसी की ढारस बंधाना या फिर किसी को मोटिवेट करना, किसी की तारीफ कर देना, आपकी किसी की तारीफ करने से या किसी की मोटिवेट करने से भी कोई बहुत ज़्यादा किसी का मोराल ज़्यादा हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर सकता है। तो इस छोटी छोटी नेकियों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए और हम चलेंगे अपने सेगमेंट फैमिली वेकेशन की जानिब। तो जनाब आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुमरात वैली, इसको देखिए फिर इस पर बात करेंगे। तो दिल फरेब और सहर अंगेज़ नज़ारे हैं जनाब कुमरात वैली के, और जिस तरह गर्मियों की छुट्टियां तो अब आने ही वाली हैं तो ज़रूर हम अक्सर देखते हैं नॉर्दर्न साइड एरियाज़ पे जाते हैं, तो कुमरात वैली भी इसमें सिर फहरिस्त होनी चाहिए। ज़रूर यहां पर जाइए और इन्जॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, और हम चलेंगे एक ब्रेक के जाने। वेलकम बैक, और अब चलते हैं अपने सेगमेंट मॉर्निंग गेस्ट की जानिब। तो जनाब जिनका तारुफ मैं आपके साथ करवाने वाली हूँ उनमें से एक को तो आप अपनी टीवी स्क्रीन्स पर तकरीबन रोज देखते हैं, करंट अफेयर एंकर हैं, न्यूज़ एंकर हैं, स्पोर्ट्स पे बहुत इन्हें कमान है, स्पोर्ट्स शोज़ भी करते हैं, मॉर्निंग शोज़ में भी आप इनको देखते रहते हैं, और हालात हाजरा पर इनकी गहरी नज़र है। ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के साथ एसोसिएट रह चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं उमेर बशीर,
वेलकम टू द शो में, छोटा सा पीरियड था जिस दौरान हम मॉर्निंग शो करते रहे, तो वो था, लेकिन आज आप उठ गए हैं। चलिए जी, इनके साथ मौजूद है गुलाम मुर्तजा साहब। इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये पर्सनालिटी रीडर हैं, और सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ रियलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ये एक आम आदमी को उसकी जानिब लेकर आते हैं। कैसे लेकर आते हैं, एक मॉडल भी इन्होंने डिवाइस किया है, हैंड रीडर भी हैं, उस पर भी हम इनसे बात करेंगे। वेलकम टू द शो सर, और थैंक यू वेरी मच आपकी यहाँ पे होने का, बिकॉज आज के कॉम्प्लेक्स दौर में बड़ा मुश्किल है इंसानों को ये रियलाइज कराना कि आपने अपने आप को सेल्फ डिस्कवर कैसे करना है, बिकॉज कई दफ़ा बहुत पैसिमिस्टिक इंसान होता है, कई दफ़ा नासज भरे हुए होते हैं, अजीब ही मामला आता है। बट स्टार्टिंग फ्रॉम यू, में कितना अरसा हो गया है काम करते हुए, और यही करना था, यही सोचा हुआ था? अच्छा, यही करना था, यही सोचा हुआ था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसका एक बड़ा ही ज़बरदस्त जवाब भी उतना ही अच्छा है। क्योंकि मेरे दादा हैं वो खबरनामे, 9 बजे के खबरनामे के बड़े शौकीन थे। अच्छा। और वो 9 बजे का खबरनामा उन्होंने कभी मिस नहीं किया, तो वो कहते थे कि मेरा जो पोता है ना, ये खबरनामा पढ़ेगा। क्या बात। जब छोटे बच्चों की होता है कि ब्रॉटअप हो रहा होता है कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो मेरे दादा कहते थे ये खबरनामा करेगा, तो वही शौक लेकर चलता रहा। और हालांकि बीच में कुछ डायरेक्शन नहीं थी, कुछ नहीं पता था कैसे हो सकता है, सर गोदा से आया था, और लाहौर में भी इतने ज़्यादा मेरी ना कोई वाकफियत थी, बट ये पता था कि वो शौक़ है खबरनामा पढ़ना। और खबरनामा का जो शौक़ लेके चलते चलते मैं पहुँच गया खबरनामा करते करते, और आज वही 9 बजे का खबरनामा कर रहा हूँ। और जिस तरह मेरे दादा को शौक़ था, उसी तरह दादा तो नहीं देख सके, दादा तो पहले चले गए, फिर अब्बा जो उनसे थे वो बड़े ज़्यादा एक्साइटेड होते थे मेरे बुलेटिन और मेरे इस काम के हवाले से, तो उन्होंने बार इसको खूब इंजॉय किया। अच्छा, ये वैसे बड़ी अच्छी आपकी बात है कि एक्चुअली आपने क्या करना है, ये थोड़ा बड़े ट्यून इन करते हैं आपकी ज़िंदगी को लेके, बिकॉज अगर आपके दादा जो हैं वो देख रहे होते थे 9 बजे का बुलेटिन, और उस टाइम ऑप्शंस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी सिवाय PTV के, पाकिस्तान टेलीविजन के, तो यू बादल नख्वास्ता वही देखना पड़ता था बैठ के आपको, कहीं ना कहीं वो जो चीज़ है वो इनबॉर्न डेवलप हो जाती है। आई स्टिल रिमेम्बर कि जब ऑप्शंस नहीं होती थी तो कुछ बोर हो रहे होते थे, तो पीटी पे वो स्लाइड्स चल रही होती थी, इसका तावुन किया है फला प्रॉक्टर गैम्बल लिमिटेड ने फला, तो मेरे पास और कोई काम नहीं होता था, तो मैं पढ़ती रहती थी, पढ़ती कि जल्दी जल्दी पढ़ लें, गुजर ना जाए। सो आपकी उर्दू उससे बेहतर हो गई, आपके एक्सप्रेशन उससे बेहतर हो जाते हैं, सो मेरा ख्याल है फिर क्रेडिट गोज़ अगर मैं बाय चांस भी करता, अब बाय चॉइस करता, तो शायद मैं क्रिकेटर बनता, मैं क्रिकेट को चूज करता। अच्छा, क्रिकेट को करते थे? मैं क्रिकेट खेलता था, और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलता था, फिर क्रिकेट में मीनवाइल ये घर का दादा का जो अब्बा का था, फिर सबका था, वो न्यूज़ का था सबका शौक, तो बट क्रिकेट में एक इंजरी हो गई, फास्ट बॉलर था वो, नी की इंजरी हो गई, जिसकी वजह से उसको। किस लेवल तक खेला है आपने? अभी तो मैं बिल्कुल स्टार्ट में ही, अभी लेवल तक गया नहीं, क्लब एक ज्वाइन किया था जिसकी वजह से उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट कंटिन्यू नहीं कर सका, बड़ी यंग एज में इंजरी हो गई थी, मेरा लिगामेंट डैमेज हो गया था, तो उसके बाद आप फास्ट बॉलिंग कर ही नहीं सकते। कुदरत नहीं चाहती थी आप उस तरफ जाएं। सर सर पॉइंट वो ये डिवाइन एक्शन प्लान जो है ना शुरू हो जाता है जब, बिल्कुल कुदरत ने वही चाहा। बट स्टिल आप फिर खेल से तो मुंसलिक रहे ना किसी तरह से, बिकॉज़ स्पोर्ट्स में मेरा खाला इंटरेस्ट फिर इसीलिए आपका ज्यादा है, बिकॉज़ मैं क्रिकेट, मेरे मुझे जुनून की हद तक क्रिकेट का शौक है, और वही जुनून मुझे अपने इस तरह में यूटिलाइज कर रहा हूं अपने आप को, कि अब स्पोर्ट्स के वाले से शोज़ करता हूँ, ट्रांसमिशंस करता हूँ, और जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, जो हमारे स्टार्स थे उस वक्त के स्टार्स थे, फिर उन सब से मिलना, उन सब से दोस्ती होना, ये भी एक एक शौक़ था, ख्वाहिश थी कि यार ये और सब ये एक वो जिस चीज़ है स्पोर्ट्स की, मुझे कोई कह भी देता था मुझे रोना आ जाता, लाइक इट, मुझे नहीं अच्छा लगता था स्पोर्ट्स की खबरें पढ़ना या स्पोर्ट्स के प्रोग्राम करना, या इवन समझ भी नहीं आती थी मुझे, इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इंटरेस्ट हो तो फिर आप क्या कुछ कर सकते हैं। अच्छा गुलाम साहब, जब आप बात करते हैं सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ डिस्कवरी की, तो किस तरह इंसान एक रियलाइज कर सकता है कि आप के अंदर ये चीज़ है, हिडन टैलेंट है, या फिर क्या होना चाहिए, बिकॉज आज के लोग तो मुझे नहीं लगता अब इस प्रोसेस पे ज़रा ज़्यादा जाते हैं। प्रोसेस में जाना तो चाहिए, क्योंकि अगर अपनी फील्ड को चूज़ नहीं करते तो आप कभी नंबर वन नहीं बन सकते। इनकी बात है कि इनके इन्होंने वो माहौल देखा, दादा की तरफ से चीज़ें इंजेक्ट हुई। हमारा मसला बेसिकली यही है कि चीज़ें हम पे इम्पोज की जाती हैं, हमें कभी भी नहीं देखने की कोशिश की जाती कि हम किस मकसद के लिए पैदा हुए हैं, हमारा लाइफ पर्पस क्या है, लाइफ लेसन क्या है।
चीज़ें या तो हम खुद इंस्पायर हो जाते हैं मुआशरे से, सोसाइटी से, दादा से, अब्बू से, या वो खुद हम पे इम्पोज कर देते हैं, वो देखते नहीं है कि मेरे बच्चे का पर्टिकुलर पोटेंशियल क्या है। दूसरा अल्लाह ताला कहता है जी जिसने खुद को पहचाना उसने मुझे पहचाना, ये बहुत ज़रूरी है। हर बंदा यूनिक है इस दुनिया में, कोई बंदा दूसरे से नहीं मिलता। इसकी वजह यह है कि हर बंदे के फिंगरप्रिंट्स मुख्तलिफ है और मैं फिंगरप्रिंट्स को डिकोड करता हूँ और उससे पूरी पर्सनैलिटी, ना सिर्फ पर्सनैलिटी बल्कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपका लाइफ लेसन क्या है, आपकी एकेडमिक जो पोटेंशियल्स हैं वो क्या हैं, आपके प्रोफेशनल पोटेंशियल्स क्या हैं, आपके इमोशनल जो है कंपेटिबिलिटीज़ वो क्या हैं, आपका लीडरशिप स्टाइल क्या है, आप किस तरह के पेरेंट हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग इवन क्या है, आपकी पर्सनैलिटी में जो चीज़ें हैं जिनकी रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है वो क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने फिंगरप्रिंट से डिकोड की हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर बच्चा जो पैदा होता है वो अपनी उसी फील्ड में जाए जिसके लिए वो पैदा हुआ। सर, फिंगरप्रिंट से ये बात डिटेक्ट हो जाती है कि आपका इंटरेस्ट किस साइड पे है? मेरा ख्याल है इससे बड़ा कोई टूल ही नहीं है दुनिया में। अच्छा, ये हमारी यूनिक आइडेंटिटी, अब देखें बायोमेट्रिक्स को अब पता चला है कि जी पिछले 100 साल में कि ये बायोमेट्रिक्स हमारे जो हैं वो ये हमारी एक बार कोड है हमारा पर्सनैलिटी का। लेकिन कुरान ने आयत नंबर 4 और 6 सूरह अल क़यामत में ये कहा कि ये लोग कहते हैं कि मैं इनकी बुसीदा हड्डियाँ कैसे इकट्ठा करूँगा, अल्लाह ताला कह रहा है मैं तो इनके फिंगरप्रिंट भी रिस्टोर करने पे कादर हूँ। अब साइंस ये कह रही है कि फिंगरप्रिंट्स जो है ना ये हमारी यूनिक आइडेंटिटी है और 7-8 अरब लोग हैं, कुछ दुनिया में चले भी गए हैं, लोगों ने आना भी है, किसी के धोखे नहीं आपस में मैच करते। फिंगरप्रिंट्स में GM मॉडल में मेरा ख्याल को 22 वेरिएबल हैं जो मैं डिकोड करता हूँ। कैरियर, सबसे बड़ी चीज़ लाइफ पर्पस। अब हमें अपने लाइफ पर्पस का ही नहीं पता होता तो हम क्यों पैदा हुए, हम रॉन्ग डायरेक्शन में अपनी एनर्जी लगा देते हैं। आप इसे पेपर पे हैंड इंप्रिंट लेते हैं या फिर यूं ही वो जो ट्रेडिशनल, दोनों चीज़ें हैं, लाइव भी देख लेते हैं और उस पर भी ले लेते हैं। ये ब्रेक के प्रोग्राम के बाद सर के साथ एक सेशन हम जरूर करेंगे, लेकिन हम इसके बाद जरूर करेंगे। देखें मैं इस तरह करें जरा हाथ अपना, यही मैं बता सकता हूँ कि इनका जो पर्सनैलिटी ट्रेट है ओपननेस टू एक्सपीरियंस है। अच्छा, ये रिपीटेटिव किस्म के काम पसंद नहीं करते। सर कोई सीक्रेट्स भी पता चलते हैं आपको, इनके सीक्रेट्स भी कोई पता चलते हैं? सारे बन वो फिर ब्रेक में डिस्कस कर लेंगे जो आप जानना चाहें। मतलब इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। अब ओपन टू एक्सपीरियंस 5-फैक्टर मॉडल पे ये तकरीबन मिडल पोल पे हैं, तो ऐसे लोग रिपीटेटिव किस्म के काम पसंद नहीं करते, स्ट्रक्चर्ड जॉब पसंद नहीं करते, रूटीन की चीज़ें पसंद नहीं करते। ये ज़िंदगी में वैरायटी चाहते हैं, थ्रिल चाहते हैं, मोबिलिटी चाहते हैं और पब्लिक डीलिंग में बहुत खुश रहते हैं, मैनेजमेंट में बहुत खुश रहते हैं और ये बेसिकली इंट्यूटिव होते हैं। इस तरह की बेशुमार चीज़ें हम डिकोड कर सकते हैं एक एक करके, ये नो नहीं कर सकते, इनका कहीं ये नो कर दें एक चीज़ को भी। सर देखिए आज की आप एग्जांपल ले लेना, मेरे लिए आ जाना बड़ा मुश्किल था यहाँ पे, मैं ना नहीं कर सका कॉल आई तो, हालांकि मेरी कल इवनिंग शिफ्ट थी, 1 बजे फ्री हुआ और बट ये क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स जो बता रहे हैं, बिल्कुल पब्लिक डीलिंग मुझे बहुत पसंद है और मैं ना नहीं कर सकता और मैं जो चीज़ें जहाँ पे रिपीटेशन हो मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा उकता जाता हूँ। ये फिक्सेशन जो है ना, फिक्सेशन वो आपके क्रिएटिव टैलेंट को किल कर देती है। आपको मोबिलिटी चाहिए, आपको वैरायटी चाहिए, आपको थ्रिल चाहिए, आपको ट्रैवलिंग चाहिए, आपको लोगों के साथ इंटरेक्शन चाहिए, ये आपकी लाइफ है। बिल्कुल ऐसे ही, इसमें अगर आपको फिक्स कर दिया जाए किसी एक जगह पे और आपको कहें जी छोटे बच्चों को पढ़ाएं, नो वे। अगर आपको कहें जी बड़े बच्चों को पढ़ाएं, बड़े लोगों को पढ़ाएं, आप इतने खुश होंगे, बड़ों को पढ़ाने में आप बहुत खुश होंगे क्योंकि आपका जो लाइफ पर्पज़ है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजडम। आप फायर हैं, कुदरत ने इंसान को आग पानी हवा मिट्टी से पैदा किया, किसी में एक एलिमेंट डोमिनेटिंग है, किसी में एक है, किसी में एक है, किसी में एक से ज़्यादा भी है जिनमें मल्टी स्किलिंग मल्टी टास्किंग होती है। आपका एलिमेंट है फायर। फायर लोग जो है ना ये इसी तरह के होते हैं कि ये मोबिलिटी ज़्यादा पसंद करते हैं, ये पब्लिक डीलिंग में ज़्यादा पसंद करते हैं और ये पढ़ते भी सोशल साइंसेज हैं। इनकी जो डोमेन होती है ना ये सोशल साइंसेज होती हैं। फिर हर पोल का, हर एक जो एलिमेंट है ना उसके 3 पोल हैं, राइट, मिडल, लेफ्ट। आप फायर हैं और आप फायर तकरीबन मिडल में, आप में मिडल वाली खसूसियत जो है ना क्वालिटीज़ आप में होंगी। तो इसी तरह हम सारी चीज़ें डिकोड करते हैं। आपका लाइफ लेसन जो है कि आप इम्पल्सिव हैं, क्विक डिसीजन करते हैं।
क्विक रिएक्ट करते हैं, ये हम आपको बताएंगे जी कि थोड़ा सा इसको कंट्रोल करना है। इतनी ज़्यादा इम्पल्सिवनेस अच्छी नहीं होती, तो इम्पल्सिवनेस आप में ज़्यादा होती है और आपका जो स्प्रेड है वो वर्टिकल के बजाय हॉरिजेंटल होता है। आप काफ़ी सारी चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, आप फायर है ना, फायर तो फायर जो है ना ट्रैवल करती रहती है, एक जगह रुकती नहीं है। फायर से तो बचना भी चाहिए, आग शाग लगा नहीं देती है। आपके साथ ही हमारे जिस्म में अगर टेम्परेचर ही नहीं है तो ख़त्म। अगर हमारा टेम्परेचर जो है 98 है, ये 60 पे चले, ये तो बहुत बात है। अच्छा, ये जो इम्पल्सिवनेस है, अब थोड़ा सा अगर जर्नलिस्ट कह रहे हैं हम अपना देखें तो ऐसी कई दफ़ा, बिकॉज हमारे अंदर राय तो होती है ना, लेकिन हमें न्यूट्रल रहना पड़ता है, हम वो वाला न्यूट्रल नहीं बट हमें न्यूट्रल दूसरे वाला रहना पड़ता है। सो जब इस तरह की कोई ख़बर आ जाए, कोई ऐसा एंगल आ जाए ख़बर का, जब ये जिस तरह बता रहे हैं कि आप इम्पल्सिव हैं, सो जब दिल भी कर रहा हो कि मैं रिएक्ट कर दूं, बिकॉज प्रोग्राम में तो मार्जिन थोड़ा सा मिलता है एक एंकर को, तो फिर करते हैं इस तरह या फिर बहुत ही कंट्रोल्ड रहते हैं? एक मेरा इंसिडेंट हुआ था डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के साथ, और उसमें वो गलबन खासे गुस्से में दिखाई दे रहे थे, तो पहले मैंने थोड़ा कंट्रोल किया काफ़ी, तो जब मुझे देखा कि यार अब तो बगैर किसी वजह के और स्टिल गोइंग और रुक ही नहीं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, तो फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ मुझे, उसके बाद फिर मैं भी शुरू हो गया। और ऑन एयर आपको पता है कि न्यूज़ एंकर बिंग न्यूज़ एंकर कुछ लिमिटेशंस होती हैं हमारी, बट उसके बाद फिर मैंने जब रिएक्शन दिया तो फिर उसके बाद मैं भी काफ़ी लाउड था एक एज ए न्यूज़ एंकर। आप ये अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि हमारी उन लिमिटेशंस के होते हुए तो उसके बावजूद वो सब कुछ करना, तो बहरहाल वो मैंने उसके बाद फिर काफ़ी क्लास की, फिर वो लाइन ड्रॉप हो गई, फिर मैंने कहा कि अब जब हमारी बोलने की बारी है तो आप लाइन ड्रॉप कर गए, जब आपने बोल रहा था तब हम सुन रहे थे, तब आप ही सुने, तो हो जाता है ऐसा। बट समटाइम जिस तरह अभी इन्होंने कहा कि आपको अपने डिसीजन मेकिंग में समटाइम रुकना पड़ता है, बताना पड़ता है, तो वो मैंने अपनी लाइफ से कुछ किसी हद तक मैंने सीखा, क्योंकि मैं फ़ौरन रिएक्ट देता था। आपका पता क्या, आपका अंगूठा फ्लेक्सिबल नहीं है। जिस बंदे का अंगूठा फ्लेक्सिबल नहीं होता ना, होता तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हिपोक्रेसी ज़ीरो होती है उसमें। लेकिन ये है कि वो जो एक स्टिमुलस और एक्शन के दरमियान टाइम होता है ना, उस पर उसको इतना कंट्रोल नहीं होता, वो क्विकली रिएक्ट कर जाता। बिल्कुल, अच्छा, मैंने अपनी लाइफ में हमेशा रिएक्ट किया है बट अब अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ अब शायद मैं समझता हूँ कि मैंने अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल किया है, क्योंकि मैं एकदम गुस्सा आ जाना और इस तरह के मामला रहे हैं मेरे साथ, और किसी भी चीज़ का रिएक्शन मैं फौरी देता था। अब मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ भी हो रहा तो मैं पहले रुक जाऊँ और बाद में सोच समझ के फिर कुछ इसका मैं रिएक्शन दूँ, क्योंकि मैंने नुकसान उठाए। अंगूठा ना नॉन फ्लेक्सिबल, आप देखें ना जिस बंदे का अंगूठा नॉन फ्लेक्सिबल होगा ना, वो क्विकली रिएक्ट करेगा। ठीक, मैं भी वैसे बहुत जल्दी रिएक्ट करती हूँ, मैं तो बिल्कुल। आपने हाथ दिया ऐसे दिखाया, आपने मेरा हाथ दिखा दिया। मैं तो मेरे पास है, जब मैं इन्हें ये हम इस ब्रेक के दौरान इन्हें दिखाऊंगी हाथ। मुझे तो बता दिया आपने, मेरा सारा कुछ उनके सामने ऐसे करवा दिया, और मैं हैरान हूँ कितनी दूर से उन्होंने कैसे। नहीं, मैं तो और बहुत कुछ बता सकता हूँ, बाकी हम थोड़ा रोक ले सर। हाँ, बिकॉज प्रोफेशनली तो काफी पब्लिसिटी जो है ना, इसकी दो हिस्से हैं, एक प्रिडिक्टिव पार्ट है, वो तो बड़ा छोटा हिस्सा है, वो तो कोई इतना सिग्निफिकेंट भी नहीं है, कल क्या होगा, कल पॉसिबिलिटीज होती है ना। एक जो करेक्टर बेस हिस्सा है ना इसका, सेल्फ डिस्कवरी बेस, वो कमाल का है, अमेजिंग 100% और एप्लीकेबल। मैंने GM मॉडल के नाम से उसको इंट्रोड्यूस कराया, और मेरा असल फोकस लाइफ पर्पस पे है। कहा आपका लाइफ पर्पस क्या है, हम पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, हमें ये पता नहीं होता हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हम दुनिया में क्यों आए हैं, किस मकसद के लिए आए हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि 30-40 साल के बाद हम चेंज करना शुरू कर देते हैं, और वो पता चलता है हमें तो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही। लाइफ पर्पस, आपने सवाल पहले किया था कि कैसे पता चलता है आप अपनी फील्ड में हैं या उसको, आपको बड़ा आसान है। अगर आप अपने काम को इंजॉय करते हैं, घड़ी की तरफ बार बार नहीं देखते, आप थकते नहीं हैं, आप घर जाते हैं चिड़चिड़े नहीं होते, आप अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अगर नहीं तो मेरा काम कर रहे हैं या किसी इनका काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं मुझे ये बताइएगा, जिस दौर से आपने शुरू किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे शुरू करने के शायद 7-8 साल बाद यू हैव केम इन, 2012 व्हेन यू हैव स्टार्टेड, 13 में स्टार्ट किया, 13 में, चलिए लगभग एक जैसा ही है। अब अक्सर ऐसा होता है कि हमें बहुत आदत थी रिसर्च के साथ जाने की, पढ़ कर जाने की, वेल इक्विप्ड अबाउट के अखबार पढ़ना, और मतलब टिप्स पे हमारे इश्यूज होते हैं, हमें पता होता है अगर ये केस है इसका बैकग्राउंड कितना है, कितनी समातें हो गई हैं, व्हाटसोएवर।
लेकिन आज की जो थोड़ी सी लॉट है वो आपको स्क्रीन पे आप एक सेकंड में जज कर लेते हैं कि दे आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. सो ये हैबिट आपके अंदर डेवलप है, बिकॉज अक्सर फिर सीनियर एंकर्स जब इस जगह पहुंच जाते हैं और जब दूसरे एंकर्स उनके साथ बैठे होते हैं फिर गुस्सा आ रहा होता है अंदर ही अंदर. फिर इंपल्सिवनेस शायद कई दफा मेरी तो फिर मैं तो कह भी देती हूँ यार कि आप पढ़ कर नहीं आए, अच्छा नहीं किया आपने. सो ये है, ये चीज़ फील होती है. मैं ज़्यादा नहीं इस चीज़ को बुरा मानता क्योंकि उसकी अपनी लाइफ है. आजकल के जूनियर वैसे नहीं रहे जो हाँ, ये भी एक पॉइंट है. आप किसी को ऐसे कह नहीं सकते. अब जो वो ऑनर बाद में होते हैं वो स्टार पहले बनते हैं. हाँ. और ये मसला है जिसकी वजह से अब मैं सब अपना काम करता हूँ और कोई इशू आता है, जिस तरह अभी हमने देखा कि कुछ महीना कह लें कि महीना दो महीने कह लें कि बड़े ज़्यादा हैपनिंग रहे हैं. अब इस दौरान भी कोई बंदा अनइन्फॉर्म बैठा हुआ तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बदकिस्मती उस शख्स. एंड यू थिंक कि न्यूज़ मैनेजर्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर सच काइंड ऑफ एन एटीट्यूड, बिकॉज वो उन्हें अकाउंटेबल नहीं करते इस चीज़ के लिए. बिकॉज हमें तो भाई डायरेक्ट डांट ऑन द स्पॉट पड़ जाती होती थी ना कि ये क्या है. इसमें इनका भी बड़ा ज़्यादा रोल है, बड़ा अहम रोल है, क्योंकि इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता. नंबर एक. नंबर दो, अब क्या होता है कि अब चैनल्स के अंदर ऐसे बना दिए गए हैं कम्बिनेशंस के कुछ लोग जिनके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जाता, सीनियर्स होते हैं जूनियर्स होते हैं. तो ऐसे मौक़ों पे जिनसे नहीं काम करवाना वो वहाँ पे उनको उठा देंगे या साथ किसी और को बिठा देंगे. जब अगर आपके साथ कोई सीनियर बैठ गया तो साथ अगर कोई जूनियर बैठा है तो वो जो बच्चा या बच्ची क्या करेगा, वो चुप करके बैठे रहेंगे, वो इस चीज़ को फील नहीं करेंगे. जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, जिस दौर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तब कंपटीशन होता था यार. अगर उसने एक बात की तो मैं दो सवाल तो करूँ ना. अगर उसने अगर एक अच्छा क्वेश्चन किया, मैं दो अच्छे क्वेश्चन तो पुट करूँ. उसका कंटेंट अच्छा है तो मेरा कंटेंट ज़्यादा अच्छा होना चाहिए. इस चीज़ का मसला हमारे मैनेजर्स भी इसमें ऑब्वियसली ज़िम्मेदार हैं और उससे ज़्यादा हम लोग खुद ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि स्टार अपने आप को हम लोग समझना शुरू कर देते हैं कि बस हम टी वी पर आ रहे हैं और दो लोग देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर हमारी तस्वीर आज की जा रही है, तो वो ये सब खराब किया है. बिकॉज मुझे लगता है अक्सर लोग कंटेंट से ज़्यादा इंस्टाग्राम लाइव फोकस कर रहे होते हैं. लग कैसे रहे हैं आप उस पर फोकस कर रहे होते हैं, पीछे कंटेंट देखा जाए तो जीरो देर. मैंने ज़्यादा लेक्चर नहीं कभी किसी को दिए. मैं अगर होता है कि नहीं तैयार किया होता ठीक है, मैं कैरी कर लेता हूँ. मैं ज़्यादा लेके कोशिश करता हूँ कि फिर ताकि स्क्रीन ना इसे डैमेज हो. सम टाइम होता है कि कुछ वैसे आपके साथ एक साहब मौजूद होते हैं सबसे क्रिटिसाइज करते मैंने तो हमेशा उनसे ही तनकीद करी है. जी सलमान भाई. हाँ बिल्कुल. तो बोल के यहाँ बैठे भी होंगे ना तो मुझे कहेंगे यही तुमने. अच्छा आजकल अब वो भी बहुत कम हो गए हैं शायद, वो भी इस बात को समझ गए कि अब वो नहीं बता सकते. लेकिन ये अच्छी होती है तनकीद, अगर आप उसे पॉजिटिव वे में लें कोई शक नहीं. इसके बगैर तो आप सीख नहीं सकते. बिल्कुल. आप अपने आप को जिस तरह गुलाम साहब कह रहे हैं आपको पता चल जाता है कि एक्चुअली व्हाट्स द पर्पस इज. अच्छा सर, ये जो आपका जीएम अल्टरनेटिव मॉडल है इसकी कितनी एक्सेप्टेंस हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, कितना लोग समझते हैं इसको? बिकॉज मॉडल तो आ जाता है बट लोगों की एक्सेप्टेंस डेवलप होने में टाइम लग जाता है. जी ऐसे ही है. जीएम मॉडल मैं पिछले कुछ 10 साल से एम्पिरिकल प्रोसेस से गुजार रहा हूँ और बड़ा सक्सेसफुली यूनिवर्सिटीज़ में भी जाके मैंने इसको डिफेंड किया है. और काफ़ी जो बहुत एकेडमिया के अच्छे अच्छे लोग हैं उन्होंने भी इस पर रिव्यूज़ लिखे हैं. एक्सेप्टेंस तो ब्रेक में मैं आपको दिखा दूँगा कितनी एक्सेप्टेंस. अच्छा, मान जाएंगे? वैसे मान तो गए हैं मेरा ख्याल है आप. हाँ जी. देखिए जी, मैं आप दो लोग मान गए हैं. अगर फ़र्ज़ करें मैं आपसे बात करता हूँ, आपकी कुछ वो चीज़ें बता देता हूँ जो आपको भी शायद नहीं पता. ब्रेक में सर कर लें तो इसका मतलब है कि एक्सेप्टेंस इसकी बिल्कुल एक्सेप्टेंस इसकी है. और देखिए ये नेचुरल है कि इंसान 4 चीज़ों का बना है. मैंने क्या किया? मैंने कोई नई चीज़ नहीं की, मैंने नई जहतें निकाली हैं उसमें से. कंसेप्ट बड़ा पुराना है. इसको हमारा रिलीजन भी सपोर्ट करता है कि इंसान आग पानी हवा मिट्टी से बना है. ये 4 एलिमेंट्स हैं, कोई एक एलिमेंट आप में डोमिनेटिंग है. सर साइंस सपोर्ट करती है आपके कॉन्सेप्ट को? 100%. अच्छा. मैंने 5 फैक्टर मॉडल जो मायर्स एंड ब्रिग्स का मॉडल है उसको इसके साथ जोड़ा है. मैंने सेगमेंट फ्राइड की जो थेरीज हैं उसको इसके साथ जोड़ा है. मैंने इस तरह की बाकी सारी चीज़ें, मैं तो मेरा काम ही साइंटिफिक है. मैं इसको अप्लाइड एरिया और साइंटिफिक साइड में लेके गया हूँ. इसकी HR बेस्ड एप्लीकेशन जो है ना वो इतनी ज़बरदस्त है जिसका कोई हिसाब नहीं है. अब आप है, आप ऑपरेशन में हैं, कोई इन्वेस्टिगेटर है, कोई जो है ना, अब वाटर है ना, वाटर लोग फीलर होते हैं. वाटर अगर आप में डोमिनेटिंग आपका एलिमेंट वाटर है तो वो फीलर होते हैं. वो फीलर क्या करते हैं? केयरिंग, स्पोर्टिंग, नर्चरिंग, एंटरटेनिंग प्रोफेशन में चले जाएंगे. अब एयर है, एयर थिंकर है, फैक्ट फाइंडर है. वो गहराई में इन्वेस्टिगेशन, क्वालिटी कंट्रोल, साइंस, इस किस्म की चीज़ों में जाते हैं. अर्थ जो है, अर्थ ने बैलेंस करना होता है. अर्थ वाले लोग जो होते हैं वो इक्विटी, सिक्योरिटी और बेसिक चीज़ों की तरफ जाते हैं. फायर लोग हैं, फायर लोग
पब्लिक डीलिंग, कनेक्शंस, लोगों के साथ मिलना, लोगों के साथ मामलात करना, सेल्स में जाना, मार्केटिंग में जाना, मीडिया में जाना, ये फायर लोगों की डोमेन है। ये तो बड़ा सिंपल सा केस है, लेकिन कुछ कम्प्लेक्सिटीज़ कहाँ आती हैं जहाँ एक से ज़्यादा एलिमेंट चल रहे होते हैं, आप में दो तीन एलिमेंट भी हो सकते हैं। ये जो ओवरलैपिंग है ना, यहाँ फिर हमें डिसाइड करना होता है कि इस ओवरलैपिंग से सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हमने कैसे प्रोड्यूस करना है, कि ये ओवरलैपिंग हो रही है, अदरवाइज क्या होगा। तो तीन फोर्सेज हैं आपके अंदर, एक आपको इस तरफ खींच रही है, एक आप इस तरफ खींच रही है, और एक इस तरफ। होता क्या है, आप यू स्टार्ट स्प्रेडिंग हॉरिजेंटली, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, लेकिन रिजल्ट्स आते हैं आपको जब आप वर्टिकली ग्रो करते हैं, उसमें आपकी जो सोच थिंकिंग पैटर्न है वो भी हॉरिजेंटल हो जाता है, लेटरल हो जाता है, अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स आप में हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा, हमें, हमारे लिए चैलेंज होता है कि इसको किस तरह करना है और किस तरह आपस में एक दूसरे को जोड़ के तो एक अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस करना है और कंप्लीमेंट एक दूसरे को करें, ना कि एक दूसरे को अपोज करना शुरू कर दें, कन्फ्लिक्ट करना शुरू कर दें। बिल्कुल, ये एक साइंस के साथ आप इसे कनेक्ट करें। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में भी आया इनसे पूछने के लिए, वो मैं ज़रूर पूछूंगी, लेकिन एक ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक, और हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगु हो रही है। अच्छा गुलाम साहब, मुझे ये बताइएगा सर, पामिस्ट्री से कितना लिंक्ड किया जाता है आपकी इस कॉन्सेप्ट को, या कितना इंटरलिंक्ड है, या बिल्कुल ही दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं? नहीं, दो अलग अलग तो नहीं है। जो पामिस्ट्री है, पामिस्ट्री दो हिस्सों पर है। एक तो आपका प्रिडिक्टिव पार्ट है, जिस पर हम मशीन गोई करते हैं, पॉसिबिलिटीज लेते हैं, जिसे एक आपका है करैक्टर बेस पामिस्ट्री, दो हिस्से है। हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है ना, इसमें प्रिडिक्टिव पार्ट ज़्यादा है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना जी, फिंगरप्रिंट्स और इनको डिकोड करना, ये एक साइंटिफिक पार्ट है वही है, लेकिन ये इसका साइंटिफिक पार्ट है, ये जो पामिस्ट्री है। जी ठीक है, ये नहीं इसका साइंटिफिक पार्ट है। अच्छा उमेर, मुझे ये बताएगा, अगर ये भी ना कर रहे होते, बिकॉज यू वॉन्टेड टू बी अ प्लेयर, नहीं हो सका, जर्नलिस्ट हो गए, ये भी ना होते तो फिर कुछ और जहन में रखा हुआ था कि मैं ये बचूं? बस यही दो ऑप्शंस थी, मतलब एक तो वो घर से सुनते जो चले आ रहे थे कि खबरनामा करना है, दूसरा मेरा जो अपना शौक था वो स्पोर्ट्स का था, क्रिकेट का था, तो क्रिकेटर बनना चाहता था, वो नहीं हुआ, तो बस फिर चलते चलते मैं यहाँ तक पहुँच गया। अच्छा, हर एंकर की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, उन्हें लगता है इस टाइम तक न्यूज़ करनी है और उसके बाद मुझे शो करना है, या सिर्फ शो ही करना है, न्यूज़ नहीं करनी। कई लोगों को न्यूज़ से इश्क होता है, वो नहीं छोड़ते। आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं? अच्छा, फील तो एक ही है, न्यूज़ से इश्क, आप शो करें या न्यूज़ करें। तो वो अभी जो सर बात कर रहे थे कि मेरी पर्सनालिटी के अंदर है कि वो चेंज, तो मेरा करियर भी आपने देखा है, आपको डिस्कस भी हुआ था, और सिटी 42 से स्टार्ट किया, फिर कुछ ही महीने बाद छोड़ के नियो, वहाँ से कुछ ही देर बाद GNN से दुनिया, दुनिया से कुछ देर बाद फिर वापस GNN। तो इस दौरान मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, मैंने न्यूज़ भी किए हैं, मैंने ट्रांसमिशंस, तो ज़ाहिर है वो तो सबके साथ साथ ही रहते हैं, बट मैंने शोज़ भी किए हैं, मॉर्निंग शो कर रहा था जब मैं GNN से दुनिया TV गया, तो शो भी चलता रहा। बट हाँ, डेफिनेटली इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सकता है, तो मेरा नेक्स्ट प्लान यही है कि स्टिल अभी भी वही कि चेंज, अब अगेन किसी और चेंज की तरफ मैं जाना चाहूँगा, और एज सुन एज पॉसिबल जितनी जल्दी की अपॉर्चुनिटी मिली उसे दोनों हाथों से पकड़ूंगा जरूर, जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं देंगे। लेकिन कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है। हाँ जी, न्यूज़ से जुड़ा रहना है, न्यूज़ से देखिए, ये पैशन है, ये शौक है, ये मेरे एक मतलब चलेंगे जनरेशन से चलता आ रहा है कि ये काम करना है, उस फील्ड से जुड़ा रहना चाहता हूँ। बट हाँ, उस फील्ड के अंदर जो नेक्स्ट स्टेप है वो यही है, अब प्रोग्रेस भी तो करना ना उसी जगह पर। आपका पसंदीदा एंकर कौन सा है, एज इन मेल फीमेल जो भी है, कौन बहुत ज़्यादा? अच्छा, पहले नंबर पे तो ये कि आपके पास नहीं बैठे हुए, बट जब मैं सिटी 42 मैंने ज्वाइन किया, तो यू आर द वन जिन्होंने सबसे पहले पहला सलाम किया था सिटी 42 में, तो तब बड़ा डिस्कस होता था इस चीज़ को कि वो थी, वो देखें, वो फर्स्ट एंकर थी, और गलत तब आप 13 की बात है, आप दुनिया TV पर थी, 13 में दुनिया TV पर ही थी ना, तो जाहिर है आप जैसे सीनियर्स हैं, आप लोगों के साथ ज़्यादा मार्जिन नहीं रहा, एक दो साल का आई गैप रहा, बट आपको देखा, फिर उस दौरान के मंसूर अली खान बड़ा ज़बरदस्त थे, और मंसूर ने उसके बाद भी अपने आप को बड़ा साबित किया, इस्टेब्लिश किया कि यस, अब वो माशाल्लाह टॉप प्राइम टाइम एंकर्स में से एक हैं। तो बाकी जुनेद तो आपको पता है, वो तो ऑल टाइम सभी को पसंद होते हैं, और जुनेद ने अब एक मरतबा फिर से ये जो करंट सिनेरियो रहा पॉलिटिकल,
इसमें साबित किया कि वो सुबह 10-11 बजे बैठ जाते हैं, रात 1 बजे तक बैठे वहाँ पे ब्रेकिंग करते रहे। तो ये डेडिकेशन शो करती है कि इतने साल बाद भी आज भी एनर्जी उनकी वही है, तो उनके जो वर्क एथिक्स हैं, तो इसी वजह से जुनेद भी बड़े। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं रिलेट इसलिए करूँगी बिकॉज जब आप किसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हो ना, आपको कोई आपको थकन महसूस नहीं होती, आपको कोई कहे भी उठ जाए तो फिर कहीं नहीं हम कर लेते हैं, हम कर लेते हैं, बट वो एट द एंड उन्हें होता है कि नहीं जी बहुत देर से बैठे हुए हैं, ना करें। बट ये वाकई इट्स अ पैशन। मिशेल बहुत अच्छी एंकर थी, सलमान हसन बहुत अच्छे एंकर हैं, उस्मान नुमान बहुत अच्छे एंकर। उस्मान नुमान तो आज भी जिस तरह आप बता रही थी कि उस्मान सलमान भाई ये दोनों आज भी हमें मतलब बताते रहते हैं यार ऐसे कर लो ऐसे करो, ये वर्ड ऐसे है, ये तलफ़ुज़ थोड़ा सा ऐसे हो गया। तो ये सारे माशाल्लाह लेजेंड्स हैं और ये सभी हमारे पसंदीदा हैं। बिल्कुल जनाब, और अच्छी बात है, सीखते रहना चाहिए, सीखने सिखाने का अमल जितना जारी रहेगा आप उतना ही ग्रो करते हैं। जब आप ये समझ लेना कि यू आर द बेस्ट, वहाँ से शायद आपका डाउनफॉल शुरू। आपने आपने दरवाजे बंद कर लिए, दरवाजा नहीं। सर, जब आप लाइफ काउंसलर हम आपको जब कहते हैं, तो हो सकता है आपके पास ऐसे बहुत से लोग आए हों जो बहुत डिप्रेस हो अपनी लाइफ से, अपने एक्सटर्नल हालात से बहुत नाउमीद हों, और फिर जब आप उन्हें बताते हैं कि अपने आप को या डिस्कवर करें या रियलाइज़ करें कि क्या है, और अगर फॉर इंस्टेंस फिर कुछ अरसे बाद वो आपसे मिलते हैं और वो नहीं हो पाता, तो कंप्लेन फिर करते हैं या फिर वो कहते हैं कि ये आपने हमें ये बताया था ये नहीं हुआ? कम होता है ऐसा, लोग आते हैं डिप्रेस, लोग डिप्रेशन तो आजकल मेरे हाल अगले दिन मैं रिपोर्ट पा रहा था WHO की, तो 20% पाकिस्तानी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम क्लिनिकल डिप्रेशन। बाकियों की अगर कोई माइल्ड डिप्रेशन की बात लें तो शायद ये नंबर इससे कहीं ज़्यादा है। लोग डिप्रेशन में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और सुसाइडल लोग आते हैं, और ये बहुत तसलसल के साथ ये लोग आते हैं। होता ये है कि लोग ये चीज़ें जो हमारी जो टिप्स होते हैं ना, ये रीइंफोर्समेंट मांगती हैं, एक दो दिन करके लोग छोड़ देते हैं। वो आपको कहें जी आप एक्सरसाइज करें, अपना वेट रिड्यूस करें, 4 दिन बाद आप छोड़ दें तो वेट क्या रिड्यूस होगा? ये एक तसलसल कंटिन्यूटी चाहिए होती है, और वो कंटिन्यूटी लोग नहीं करते, या समटाइम्स ऐसा होता है कि बिल्कुल ये ठीक हो रहे हैं, दरमियान में कोई डिप आया तो परेशान हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं दोबारा। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, उनको पता लग रहा होता है कि ये चीज़ें काम कर रही हैं, तो बहुत कम ऐसा होता है। अक्सर लोग ऐसा है कि वो मज़ीद री इन्फोर्समेंट मांगने ही आते हैं, तो थोड़ा सा और हमें जो है ना एक और एपिसोड आ गई है, तो इसको किस तरह हम हैंडल करें। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, ये कभी आपने हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके हैंड आपने पढ़े हैं, इमरान खान साहब का पढ़ा है, क्या उन्हें क्या उनकी सेल्फ रियलाइजेशन होने वाली बाकी है? बस सब के ही पढ़े हैं, हर के मेरिट्स भी हैं, कुछ डीमेरिट्स भी हैं। खान साहब के भी किस मेरिट्स हैं, मतलब फॉर एग्जांपल कुछ खान साहब के हाथ पे बड़े पावरफुल साइन हैं, उनके मार्स के ऊपर एक स्टार है जो बहुत उनको रेजिलिएंट बनाता है, बहुत बेलिजरेंट बनाता है, और ऐसे लोग दे नेवर गिव अप, और जहां खड़े हो गए। नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये नहीं देखते खड़े कहां हुए हैं। तो थोड़ी सी एक चीज़ ऐसी है कि उनमें फ्लैक्सीबिलिटी नहीं है, और थाट प्रोसेसिंग जो है थोड़ी सी वो थोड़ी सी, क्योंकि बकल अच्छा, आपने हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियंस के हाथ देखे भी हो, बिकॉज आप इतनी दूर से अगर उमेर का हाथ जज कर रहे हैं, तो अगर टीवी पे भी कोई ऐसे कर दे तो आप पढ़ लेते होंगे। अभी आप भी ऐसे करती हैं। हाँ, लेकिन मैं इनसे बाद में पूछूंगी आज देर। अच्छा, ये कौन सा ऐसा लीडर है या पॉलिटिशियन आप समझते हैं जिसके बहुत स्ट्रॉन्ग आप समझते हैं हाथों की लकीरें हैं, या फिर बहुत ज़्यादा उन्हें लक फेवर करती है, या वो बहुत ज़्यादा डायनामिक हैं पॉलिटिक्स के अंदर? देखें, इमरान खान का भी हाथ ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब के हाथ में लकीरें जो लाइंस है ना ब्रोकन है। जब ब्रोकन लाइंस होती हैं ना, तो मेंटल क्लैरिटी इतनी नहीं होती, आपके गोल्स लॉन्ग टर्म नहीं होते, आप सतही और शॉर्ट बेस्ड गोल्स पे काम कर रहे होते। मियां नवाज शरीफ का भी हाथ ठीक है, और डॉक्टर ताहरुल कादरी का हाथ जिस तरह का उनका हाथ है, उनको रिजल्ट्स नहीं मिल सके। अच्छा। ये तीन बंदों का हाथ अच्छा हाथ है। तो कुछ लोग जो हादसाती तौर पे पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, अपने वो पोटेंशियल पे नहीं आते, उनकी हाथों की लाइनें इतनी स्ट्रांग नहीं होती, और वो वक्ती होते हैं, वो लॉन्ग टर्म से सस्टेन भी नहीं करते। अच्छा, दाहिल कादरी साहब को माजद मैं एक तरह से पूछूँ, आपने कहा कि लकीरों के हिसाब से वो सब कुछ वो नहीं कर सके, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? मेरी इसकी वजह ये है, ताहरुल कादरी साहब का जो हाथ है उसमें इंटरेस्टिंगली हाथ की शेप तो उनकी बहुत कमाल की है, उनमें उनके जो सन लाइंस हैं जिसको हम क्रिएटिव टैलेंट की लाइंस बोलते हैं, वो 4 हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये चैलेंज को वो अच्छे तरीके से मीट नहीं कर सके,
चार, जब आप चार जगहों पे आप मुहास खोल लेते हैं, यू ओपन अप फोर फ्रंट एट ए टाइम, तो एनर्जी तो आपके पास वही होती है ना, आप 25% 25% 25%, उनकी एनर्जी चार मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जब किसी बंदे की लगेगी ना, तो कोई एक साइड जो है ना वो डेफिशिएंट रह जाएगी। मेरे ज़ाती ख्याल में उनका, उन्होंने अपना एजेंडा बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया, चार लाइनें, सन लाइनें, इट्स वेरी वेरी अनयूजुअल। तो सर फिर आप इस साइंस के थ्रू या इस मॉडल के थ्रू ये भी बताते हैं कि आपने कहाँ पर अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट करनी और कहाँ पर नहीं करनी? इसमें हमारी शुरू होती है लाइफ पर्पज़ से। मेरा जो, मुझे जो, मैं जो इंजॉय करता हूँ, मैं तो लाइफ पर्पज़ को इंजॉय करता हूँ कि ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है। अगर वो आपको मिल गया है ना, तो आपकी सन लाइन, आपको इनर सेटिस्फेक्शन आनी शुरू हो जाती है कि ये काम मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये काम मेरा अपना है और ये काम बहुत ज़बरदस्त है, और आप शुरू से ही उस डायरेक्शन में चले जाते हैं और आप वर्टिकल ग्रोथ करते रहते हैं। लेकिन जब आपके पास अपनी फील्ड नहीं होती ना, एट टाइम्स आप दाएं बाएं देखते रहते हैं, यू डोंट फील कंफर्टेबल, और आप समझते हैं कि ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, और जो बंदा, जिसने अपनी लाइन पकड़ ली है, उसको पता मैंने इस्लामाबाद जाना है, वो ना इधर देखेगा ना उधर देखेगा, चला जाएगा। जिसकी डायरेक्शन ठीक नहीं, वो कहीं शेहपुरा चला जाएगा, कभी फिर इधर चला जाएगा, कभी फिर इधर। तो वो जो वेस्टेज है ना, वेस्टेज कटिंग और वेस्टेज का एलिमेंट जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा उमेर, ट्रैवलिंग का शौक है? हाँ जी, ट्रैवलिंग का शौक तो मेरे ख्याल से सब फायर को नहीं, फायर तो बने ही, दे आर बोर्न फॉर ट्रैवलिंग, फायर लोग, फायर पीपल। चले जी, वो तो उन्होंने इतनी दूर से हाथ देख के सब कुछ बता दिया, मुझे तो डर भी लगता है कि कुछ और ना बता दें, वो ना बता दें, तो बाकी ट्रैवलिंग का शौक है। इसमें कहाँ कहाँ पाकिस्तान पूरा ट्रैवल किया? अब मुझे नॉर्दर्न का थोड़ा सा इशू होता है क्योंकि हाइट फोबिया है, बट दिल करता है जाने का, बट गया भी हुआ हूँ, और पाकिस्तान में सारा ट्रैवल किया, पाकिस्तान से बाहर गल्फ में सारा फिरा हुआ, लाइक सऊदी अरेबिया, मस्कत ओमान, बहरीन। और लेकिन वैसे आपका ताल्लुक सरगोधा से है? मेरा सरगोधा से ताल्लुक। कौन सी ऐसी स्पेशल चीज है सरगोधा की जो मिस करते हैं, बिकॉज़ अब तो लाहौर में आपका मस्कन है। अच्छा, मैं मिस तो नहीं करता खैर, बट वहाँ की स्पेशल चीज का बता देता हूँ, किन्नू वहाँ के बड़े स्पेशल होते हैं। अच्छा, सिट्रस तो वो मतलब पूरी दुनिया का बेस्ट सिट्रस प्रोड्यूसिंग एरिया सरगोधा, बट वो मिस नहीं करता क्योंकि वो यहाँ पे भी मिल जाता है और बहुत ज्यादा दूर नहीं है सरगोधा, यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, तो इसलिए। बट बड़ी अर्ली एज में हम इधर आ गए थे, छोटी एज में इधर आ गया था। उसके बाद आपने पूछा ट्रैवल का, तो वो आपको बताया यूएसए भी ट्रैवल हुआ, एक्सचेंज प्रोग्राम पे जा चुके हैं। बिल्कुल जी, ये हम वैसे करते हैं फेस ऑफ एक्सचेंज, तो उमेर साहब भी हमारे एक फेस ऑफ एक्सचेंज ही हैं जो बाहर से एक्सपीरियंस लेकर आए और काम माशाल्लाह कर रहे हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि जर्नलिज्म के अंदर, बिकॉज हम हर कोई अब बैंकर बनना चाहता है, लेकिन लोग रियलाइज़ नहीं करते, स्पेशली नया टैलेंट रियलाइज़ नहीं करता कि जो बैक द कैमरा काम कर रहे होते हैं या जो न्यूज़ रूम में काम कर रहे होते हैं, अगर वो काम ना करें तो शायद हम भी ना कुछ कर सकें। वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सो न्यूज़ रूम में भी काम करते हैं या फिर प्रोडक्शन की तरफ ही इंटरेस्ट है? अच्छा, मैं आप ये बड़ा सही सवाल पूछा, कल भी इसको डिस्कस कर रहे थे हम बैठ के न्यूज़ रूम में, मैं और उस्मान नुमान और हमारे कुछ न्यूज़ रूम में, मैं तो नहीं करती थी। नहीं नहीं, हम वैसे बैठ के, हम कल डिस्कस कर रहे थे कि ये पूरी टीम है, आपने कहा कि सब ये ना हो तो हम कैसे काम करें, आपका पैनल, आपका न्यूज़ रूम, आपका ब्यूरो, ये सब की आपस में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अच्छी नहीं होगी तो आपका वो रिजल्ट नहीं जाएगा, ये मेरा मानना है। तो मैं अक्सर पैनल पे भी जाके बैठ जाता हूँ, उनसे कहता हूँ यार अच्छा ये क्या है, इससे क्या होता है, इसे क्या कट होगा, इसका क्या फ़ायदा है, इस सारी चीज़ों से पूछना ताकि पता हो आपको। इस तरीके से पैनल के अंदर इन्वॉल्व रहता हूँ और उन लोगों के साथ भी एक आपकी बन जाती है, केमिस्ट्री बन जाती है। फिर न्यूज़ रूम में जाके बैठता हूँ, अगेन वही बात आ गई कि लोगों से मिलना, पब्लिक डीलिंग, ये भी इंटरेक्शन करना लोगों से। न्यूज़ रूम में हर बेंच के बंदे के पास जाके बैठना, उसे पूछना इंटरनेशनल डेस्क के अंदर क्या खबरें हैं, क्या चल रहा है, यूक्रेन का मामला कहाँ तक पहुँचा। अगर स्पोर्ट्स डेस्क है वो तो आपको पता है मेरी फील्ड है, मेरा अपना शौक है, इवन स्पोर्ट्स की अक्सर न्यूज़ मैं खुद फाइल करके दे रहा हूँ कि ये खबर है, चलें। तो फेवरेट प्लेयर कौन सा है आपका? बिकॉज क्रिकेट आपको बहुत पसंद है, तो फेवरेट प्लेयर। अगर एज अ क्रिकेटर हम बात करें और एज अ क्रिकेटर कैप्टन हम बात करें तो इमरान खान से बड़ा कैप्टन कोई भी नहीं है क्रिकेट की तारीख में। एज अ पॉलिटिशियन सबको इख्तलाफ हो सकते हैं और सबकी अपनी है, बट सबसे बड़ा कैप्टन अगर हम बात करें तो इमरान खान बहुत बड़ा कैप्टन था। गवास्कर ने लिखा था कि अगले कप्तान से 15-20 ओवर आगे चल रहे होते थे, इनकी रीडिंग इतनी बड़ी थी, गेम के अंदर इन्वॉल्वमेंट इतनी होती थी कि कीपर को नहीं पता एज हो गया, लेकिन जो लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे खड़ा हुआ इमरान खान वो अपील कर रहा है कि जी एज हुआ है, और बैट्समैन कह रहा है कि यार एज हुआ है, और उसको पता, कीपर को नहीं पता चला, अंपायर को नहीं पता चला, वो इन्वॉल्व होते थे गेम के अंदर, अप्रिशिएट करते थे। गवास्कर एक दफ़ा स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट पाकिस्तानी बॉलर्स, तो उन्होंने कहा कि
गवास्कर इस तरीके से खेलते हैं, वो तुम पे अटैक कर रहे हैं, तुम काउंटर नहीं कर रहे, तुम डिफेंसिव हो रहे हो। इंडिया के प्लेयर को पाकिस्तान का कैप्टन बता रहा है कि सिर्फ इसलिए कि वो अच्छा खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी ना वेस्ट हो। इंजमाम जब फेल हो गए, इंजमाम की जाके उन्होंने तारीफ की कि यार वो तुमने एक चौका कैसे मार दिया, जब इंजमाम डर रहा था कि आप मुझे ड्रॉप कर देंगे, कैप्टन ने जाके उसकी तारीफ की, उसके बाद इंजमाम सबको पता है, तो उनसे बड़ा कैप्टन कोई नहीं था। अच्छा, एक और चीज़ का मैं इजाफा करूँगा जो मैंने इससे भी बड़ी चीज़ देखी, ये तो टेक्निकल एस्पेक्ट है ना उनका, मैंने उनका पूरा कैरियर देखा, इंडिया के मैचेस जब शुरू हुए उसके बाद भी, उनमें जो क्वालिटी थी वो किसी भी सिचुएशन में अननर्वड नहीं होते थे। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ी, ये राणा टुंगा हो गया, ये हो गया, ये सिचुएशन कैसी भी है, हाँ जी, इनको अपने ऊपर कंट्रोल होता था। और मैं ये समझता हूँ कि आज के मैच में जो अपने आप पे कंट्रोल कर जाता है ना, वो जीत जाता है। ये इतनी बड़ी क्वालिटी थी, बाकी टेक्निकल क्वालिटीज आपको बेशुमार आप देख लेंगे। अब देखे ना, टेंडुलकर था, टेंडुलकर थोड़ा सा प्रेशर आता था, नेल बैटिंग शुरू कर, नर्वस 90s का, इसी वजह से सबसे ज्यादा शिकार होता था। इमरान खान में ये थी कि वो बिल्कुल क्वाइट एंड काम, एक राणा टुंगा, ये दो लोग ऐसे थे जो सिचुएशन का शिकार नहीं होते थे। बिल्कुल, और ये एक बड़ी बात, वर्ल्ड कप फाइनल के सर आपको याद होगा, टॉस पे वो कॉर्नर टाइगर की शर्ट पहन के चले गए और अपनी ऑफिशियल किट की जगह तो टी शर्ट, उन्होंने पूछा कि इस आउटफिट की वजह से कि हम वी आर नथिंग टू लूज, हमें नहीं पता कि हम जीते या हारे, हमें उससे फर्क ही नहीं पड़ता, बस हमने इसकी तरह टाइगर की तरह हम लोगों ने आज बिल्कुल। और उस मैच में, वर्ल्ड कप में आप देखें कि इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज कभी भी डाउन नहीं हुई, बिल्कुल, हालांकि दो तीन ऐसे स्टेजेस थी, ऐसी हमें लग रहा था कि मैच हम लूज कर गए हैं, वो दो डिसाइसिव बॉल वसीम अकरम की पड़ गई और बॉल, अदरवाइज तो हम लूज कर रहे हैं, वन डाउन आ गए अपनी पोजीशन, वन डाउन आके उसे 70 या 79 71 किए और बड़ी एंकरिंग पोजीशन उसने खेली। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, अब चूंकि आप ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा करते होंगे पाकिस्तान में, तो आप कोशिश कर रहे हैं इसकी अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस की बाहर के ममालिक में, कितना इसको अच्छा, मेरा मेरी ये जो इस मेरे मॉडल की रिकग्निशन बाहर से शुरू हुई है, पाकिस्तान से नहीं हुई। अच्छा, ये बाहर से पाकिस्तान आ रहा है सबसे पहले, ये रिकग्निशन जो है, ये मेरा जो कंटेंट है यहाँ बरेसगीर में, यहाँ जो है ना पमिस्ट्री को एक ख़ास इसके साथ इमेज एसोसिएटेड है। अच्छा, और वो इमेज क्या है, वो प्रेडिक्शन का है, और ये कल क्या होगा, परसों क्या होगा, लोगों को, बिकॉज पीपल आर स्ट्रगलिंग फॉर दी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, तो उनको इनके लिए मैं बाहर कब चलो जाऊँगा, शादी कब होगी, रोज़गार के मसले हैं, जॉब के मसले हैं, अपने आप को बंदा उस वक्त समझता है। देखें, हायरार्की ऑफ नीड्स पे मैज़लो ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को टॉप पर रखा हुआ है, नीचे चार जो लेवल्स हैं वो आपके एक्सटर्नल नीड्स हैं, तो हम तो नीचे वाले तीन चार लेवल्स में सेल्फ स्टीम तक ही चल रही हैं, तो बाहर से ये जो है ना, मुझे ज़्यादा रिकग्निशन, सपोर्ट और इनकरेजमेंट मुझे बाहर से ही आपको जी बाहर से मिली। बिल्कुल सही जनाब, और अगर आप साइंस को साइंस के तरीके से लें, और जिस तरह मुर्तज़ा साहब हेल्प करते हैं कि आप अपनी रियलाइजेशन का प्रोसेस, ये तो खुदा ताला ने भी कहा है कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करें, एक ज़िंदगी आपको दी है उसे अच्छी चीज़ों के लिए एक्सप्लोर करें, तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। उमेर, कोई आखिरी बात कहना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? आखिरी बात ये कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और डर भी लगा। और आखिरी बात भी यही करूँगा कि ये बड़ी अहम बात है जो सर कह रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या करें, हम क्या करना चाहते हैं फैमिली में। लाइक अब मैं अगर न्यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर कोई कह देता बच्चा कि मैंने भी खबरें पढ़नी है उठ के, तो उसका मतलब उसको नहीं पता कि उसने क्या करना है, वो बस मुझे देख के ये फैसला करना चाह रहा है। एक कज़न छोटा भाई, उसको मुझे देख के बड़ी खुशी हुई, वो बचपन से ही कहता था कि मैंने मैथमेटिशियन बनना है, और मैं उसकी हर जगह एग्जांपल कोट करता था, और जब यूनिवर्सिटी लेवल पे एडमिशन लेने का टाइम, मैं कहता मैंने मैथ्स कॉम करना है, मैंने भी मीडिया में जाना है, तो वो जो मेरे सारा एक होती है ना एक्साइटमेंट उसको लेके, यार माशाल्लाह ये क्लियर है, तो वहाँ पर जाके ना मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई, बड़ा दुख भी होता था यार कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए सब बच्चों को। तो अगर कोई डायरेक्शन है ऐसी कि आपको पता चल जाए कि आप क्या हैं, तो आप खुद से भी एक्सप्लोर करें जितने देखने वाले हैं, और बाकी अगर जिस तरीके से रहनुमाई होती है, गाइडेंस होती है, ऐसे लोग अवेलेबल हैं, तो इसमें बिल्कुल जी बजाय इसमें यह है कि आप देखें, ये आपके पास कैमरा है, जब आप कैमरा लेते हैं तो सबसे पहले इसके फंक्शंस का आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल, इसकी लिमिट्स का पता होना चाहिए, इसका जो ऑपरेशन है वो कैसे होता है। जब तक ये पता नहीं होगा, जो मशीन हम ऑपरेट कर रहे हैं, इंसान एक मशीन है ऑपरेट कर रहे हैं ये, और एक उसमें रूह डाली हुई है, जब तक वो पता नहीं चलेगा कि हमें हर बंदे को अल्लाह ताला ने यकीन करें किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैदा किया हुआ। बिल्कुल, अपना स्वॉट एनालिसिस करना जरा बहुत जरूरी है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, ये आपसे बेहतर कोई। दूसरा ये है ना, ये चार चीज़ें हैं, चार पहलू हैं इसके, जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये जेनेटिक है,
फिंगरप्रिंट्स तो 12वें हफ्ते में माँ के पेट में बन जाते हैं, उसके बाद 12वें हफ्ते से लेकर प्री बर्थ जो पीरियड है ये फिंगर्स की डेवलप होती है, और बर्थ से लेकर 6-7 माह तक आपकी बच्चे की हाथ की शेप की डेवलप होती है जिसको हम अर्ली ग्रूमिंग कहते हैं। फिर लाइनें सब्जेक्ट टू चेंज है, लाइनें ये हमारी सिचुएशनल पार्ट है जो चौथा पार्ट है पामिस्ट्री का, इवन साइकोलॉजी का। तो ये चार चीज़ों में चार ही एरियाज़। बिल्कुल जनाब, पॉजिटिव चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज भी यूटिलाइज कीजिए। बहुत शुक्रिया उमर आपका, बहुत शुक्रिया गुलाम मुतसब आपका। बिल्कुल बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा इन दोनों के साथ ही, हमें उमर को भी एक्सप्लोर करने का मौका मिला और शुक्र है वो कोई सीक्रेट्स इनकी रवील नहीं हुए, वरना इनका घर जाना मुश्किल हो जाता। लेकिन हम चलते हैं अपने सेगमेंट ट्रेंडिंग टुडे की जानिब। तो जब पॉजिटिविटी की बात हो रही है तो पॉजिटिव चीज़ों को ट्रेंड कीजिए। हमने आपको दिखाई कुमरात वैली, इसके इमेजेस को ट्रेंड कीजिए, इसकी खूबसूरती को दिखाइए लोगों को और बताइए कि इतनी खूबसूरत वादी आपके पास मौजूद है। और हम एक ब्रेक लेते हैं और आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक और अब चलेंगे अपने सेगमेंट इंस्पायरिंग वुमेन की जानिब। तो जनाब मेरे साथ आज जो खातून मौजूद है वो असल में एक इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन उन खवातीन के लिए जो कि अपनी जिंदगी में पर्सनल फाइट और पर्सनल ग्रूमिंग के तहत काम करती तो हैं ही, लेकिन अपने उन हालात से मुकाबला करके उन हालात से बाहर आती हैं और एक सक्सेसफुल करियर बनाती हैं। मैं आपका तारुफ कराऊंगी सबा इकबाल साहिबा से। 26 साल की थी, 3 छोटे बच्चे थे जब इनके शौहर ने इनको छोड़ दिया और भाग गए, जितना मुझे पता है भाग गए। और उसके बाद ये एक मैसिव साइकेट्रिक ट्रामा में रहीं, डिप्रेशन में रहीं, स्ट्रेस में रहीं। ज़ाहिर बात है बहुत मुश्किल होता है कि 3 बच्चों की जिम्मेदारी और उसके बाद जो उन्हीं का वालिद हो वो कमतरी का सबूत दे, कमज़र्फ़ी का सबूत दे और चले जाएं। खैर उसके बाद इन्होंने बहुत कोशिश की 6 साल तक फ़िज़िकल एब्यूज़ के बाद, डोमेस्टिक एब्यूज़ के साथ और एक हार्डशिप मैरिज के साथ कि ये कोशिश करती रहीं अपने बच्चों के साथ उस ज़िंदगी को गुजारने की, बट नहीं हो पाया। और जब वो भाग गए इनके शौहर तो फिर कंडीशंस कुछ ऐसी हो गई कि शी हैज़ टू कम बैक टू हर पेरेंट्स हाउस, अपने वालदैन के घर वापस आई। लेकिन हिम्मत इन्होंने नहीं छोड़ी, वहाँ से ज़िंदगी का दोबारा आगाज़ किया। एक तो अपने बच्चों के राइट्स के लिए कोर्ट में कॉन्टेस्ट किया, अपने बच्चों की राइट्स की खातिर अदालत पहुंची, जब बहुत सारी खवातीन जो हैं वो अक्सर डर जाती हैं, नहीं जाती, और शायद उस स्ट्रेस की वजह से या फिर उस डिप्रेशन की वजह से नहीं लड़ पाती। सबा ने वो हिम्मत दिखाई और ये हिम्मत सिर्फ कोर्ट तक महदूद नहीं रही, इन्होंने ये सोचा कि इन्हें अपने बच्चों के लिए अपने पाँव पर खड़े होना है। और इन्होंने अपनी तालीम का आगाज़ दोबारा किया। बड़ा मुश्किल होता है कि इतना स्ट्रेस, बच्चे छोटे हों, फिर आपको बच्चों की नॉरिशमेंट करनी हो, बच्चों को पालना हो, उसके साथ साथ इन्होंने पढ़ाई का आगाज़ किया। और क्या ही बात है कि इन्होंने LLB प्रोग्राम में एडमिशन लिया पंजाब यूनिवर्सिटी में, और सुबह के वक्त ये काम करती थी, शाम के वक्त ये क्लासेस लेती थी, पढ़ती थी, और बाकी वक्त जो बचता था थोड़ा बहुत वो अपने बच्चों के साथ गुजारती थी। और इस पूरे टाइम में इनके वालदैन और इनकी फैमिली जो इनके घर वाले थे वो बहुत सपोर्टिव रहे। और अब चूँकि ये एक एडवोकेट और लॉयर बन चुकी हैं, अपने पाँव पे खड़ी हो चुकी है, उसके बाद उन्होंने दोबारा से अपनी ज़िंदगी का भी आगाज़ किया, दोबारा भी अपना घर बसाया, शादी की और एक बच्ची इस वहाँ से भी है। बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि सभा ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, अपना हौसला नहीं छोड़ा, अपने बच्चों के लिए डिपेंडेंट किसी पे नहीं हुई, एक बहादुर माँ बनी, एक बहादुर एंटरप्रेन्योर वुमेन बनी, लॉयर बनी, और जिस लीगल राइट्स को लेकर ये आगे चली वो खुद भी अब उसकी एडवोकेट बन चुकी है। वेलकम टू द शो सभा। और पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। डेफिनेटली बड़ा मुश्किल वक्त आपने गुजारा है, वो 6 साल जो आपकी शादी की और उसके बाद 3 बच्चे,
आपकी स्टोरी शेयर करने का मकसद ये कि शायद बहुत सी घरों में बैठी खवातीन अब भी ऐसी होंगी जो शायद वो हिम्मत नहीं कर पा रही होंगी या शायद वो डोमेस्टिक और फिज़िकल अब्यूज़ बर्दाश्त कर रही होंगी, शोहर की ससुरालियों की नाइंसाफियाँ बर्दाश्त कर रही होंगी। वो एक हिम्मत आप में कब आई जब आपने सोचा कि नहीं बस दिस इज़ द पॉइंट, अब मुझे कुछ करना है? अस्सलाम वालेकुम इकरा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। जी आप सही कह रही हैं कि ये आसान नहीं होता, ये स्पेशली एक ऐसी लड़की के लिए व्हेन शी वाज नॉट इवन 20, लाइक एट दैट टाइम आपको पता है कि उस एज में तो लड़की ग्रेजुएट भी नहीं होती, और फिर उस एज में ये सब करना, सब कुछ फेस करना, फिर अपने आप को साथ में बच्चों का भी हो जाना और फिर उनको बच्चों को भी साथ में लेके चलना, साथ में अपनी फैमिली को भी देखना। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की और मेरे वालदैन पेरेंट्स ने भी कि कोई रास्ता निकल आए, घर बस जाए। आपको पता है एज़ इन ट्रेडिशनल फैमिलीज़ हमारे तो यही कोशिश होती है कि घर किसी तरह बसता रहे, बच्चे हैं, बच्चों की खातिर औरत कुछ भी करके गुजारा करने की कोशिश करती है। बिल्कुल सही। बट व्हेन थिंग्स गो सो हार्ड और इस तरह की ऑर्डील्स आए आगे, जबकि बच्चों को आपके बच्चों को ना खाने को मिल रहा हो ना पहनने को मिल रहा हो, और मेरे बच्चे देवर माई डॉटर स्पेशली द यंगर वंस वर ओनली फ्यू मंथ्स ओल्ड व्हेन आई हैड टू सेंड देम टू माई पेरेंट्स हाउस, क्योंकि उनके बच्चों के खाने पीने के लिए भी देवर मैन नरिश्ड ओवर देयर और उनका इलाज नहीं मैसर था, तो मजबूरन मुझे वालदैन के पास छोड़ना पड़ा। जैसा कि आपने मेरे सारी हालात को तो बताया ही है कि असल में वो लोग बहुत ज़्यादा ग्रीड और लालच की वजह से हर वक्त डिमांड्स करना, मेरे पेरेंट्स ने मंथली बेसिस पे भी दिया और फिर बाद में उन्होंने लमसम भी दिया फॉर हिम टू स्टार्ट अ बिज़नेस, बट ऑल इन वेन। वो जितना आपको पता है लालच एक ऐसा कुआं है जिसको जितना भी भरता जाए वो कभी भरेगा नहीं। अच्छा, और एट द एंड आपने नहीं छोड़ा वो और आपके बच्चों को छोड़ कर भाग गया? जी तकरीबन। हाँ। आप यही समझ लें कि एक्चुअली देवर हैबिचुअल टू डूइंग फ्रॉड, सारी फैमिली इन्वॉल्व थी। मैं ये देखती हूँ कि जो पेरेंट्स ज़्यादा छानबीन नहीं करते लड़कियों की शादी के करते वक्त और लोगों की बातों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, जो उनको दिखाया और बताया जाता है उसी को ही मान लेते हैं, तो वो मेरा ख्याल है ज़्यादा सफ़र करते हैं, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू द सेम ऑर्डेल। तो मैं ये चाहती हूँ कि एक पेरेंट्स को भी मैसेज है और सब बच्चियों के जो भी वारिस होते हैं उनको मैसेज है कि अपनी बच्चियों की शादी करते वक्त बहुत अच्छी तरीके से देखभाल की जाए उनको, और लॉज और लीगल सेटअप को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि ऐसे लोग जो ऐसा कदम उठाते हुए 100 दफ़ा सोचें, और उनको इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए जिन्होंने ऐसा किया है बच्चियों के साथ। किसी ना, ये सिर्फ मेरी और मेरे बच्चों की ज़िंदगी नहीं ख़राब हुई बल्कि मेरे सिबलिंग्स दे हैव सफ़र्ड, मेरे बहन भाई, मेरे वालदैन बहुत ज़्यादा सफ़र किया है उन्होंने। और आप यकीन करें उस टाइम पे जिस टाइम पे मैं वापस आई हूँ, नॉट जस्ट माय मेरा घर नहीं सिर्फ ख़राब हुआ था बल्कि एक सडन डेथ हुई थी मेरे छोटे भाई की, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था हमारी सारी फैमिली के लिए। ही वॉज हार्डली 20 और वो जा रहा था और एक्सीडेंट में उसका पूरी फैमिली इमोशनल टर्मोइल के अंदर मौजूद थी। तो सबा जब आप आ गईं और फिर डाइवोर्स आपकी हो गई, सो फाइनली आपने कोर्ट के थ्रू जाके अपने राइट्स लिए, बच्चों का नाद नफा लिया, वो मिला आपको? नहीं, मुझे आज तक ये अभी मेरे डिग्री खर्चा डिग्री हुए हुए 3 साल हो गए हैं और मुझे वापस आए हुए, आई केम बैक इन 2015, तो ऑलमोस्ट 7 ईयर्स हो जाएंगे, तो मुझे आज तक एक सिंगल पेनी भी नहीं मिला। और मैं यही कहती हूँ कि एक तरफ खर्चा डिग्री हुए हुए भी मुझे 3 साल हो चुके हैं, अदालत से मेरी डिग्री है, लेकिन उसके बावजूद अभी बिकॉज़ ही इज़ एन एब्सकाउंडर, ही इज़ नॉट ट्रेसेबल, तो उसको ट्रेस करने के लिए मुझे पुलिस में जाना पड़ रहा है और पुलिस के थ्रू मुझे ही या मेरे वालिद को या मेरे भाई को ही उनसे ट्रेस करवाना पड़ रहा है पता करने के लिए कि वो कहाँ पर हैं। तो हमारे सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग और क्विक लीगल सिस्टम को, स्पेशली बीइंग एन एडवोकेट आई वुड से कि हमारे लीगल सिस्टम को ख़वातीन के लिए और वो तमाम लोग वल्नरेबल पीपल ऑफ द सोसाइटी जो इस वक्त इंसाफ के लिए जदोजहद कर रहे हैं, उनको इतना ईजीली एक्सेसिबल होना चाहिए इंसाफ को, और इतना उनको अच्छा प्रोवाइड करना चाहिए कि वो लोग खुद आए अदालतों में अप्रोच करें और उनको पता हो कि हमें इंसाफ आसानी से और जल्द अज़ जल्द मिल जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सबा, सो फाइनली जब ये सब कुछ हो गया, सेटल डाउन हो गया मामला, पता है आप माँ बाप के घर वापस आ गई,
एडवोकेट बनने का ख्याल आपको कैसे आया कि फिर पढ़ना बहुत मुश्किल होता है जब आपके पास आपने काम भी करना है बच्चों के लिए, फिर कोशिश यही होती है कि काम करें और बच्चों की पढ़ाई पर तवज्जो दें, बट आपने बड़ी हिम्मत दिखाई, वो कैसे सोचा आपने? ये एक्चुअली मेरे जो एडवोकेट लॉयर हैं, समवन रेफर्ड अस टू बैरिस्टर हारिस रमज़ान, वो ऑलरेडी क्रॉस एज के प्लेटफॉर्म से, ये उनका क्रॉस एज एक ऑर्गेनाइजेशन है NGO, वो और उनकी मिसेज आयशा मैम क्रॉस एज के प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी ऐसे लोगों को एम्पावर करने के लिए, जो स्पेशली वुमेन जो इस तरह की सोसाइटी में जिन्होंने ये फेस किए हैं ऑर्डियल, उनके लिए वो ऑलरेडी काम कर रहे थे। तो उन्होंने जब मेरा केस देखा, उन्होंने देखा कि रीज़नेबल एजुकेशन भी है इसकी, स्कूलिंग अच्छी हुई हुई है, तो ही रेफर्ड मी टू एन LLB प्रोग्राम। उन्होंने मुझे इनक्रेज किया कि मैं लॉयर बनूँ, खुद अपने केस को भी हैंडल करूँ और अपने लिए एक एम्पावरमेंट का सोर्स ढूँढूँ। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि बेस्ट है कि आप एक एडवोकेट बने, इस तरफ आएँ। तो साथ साथ मैंने फिर जॉब भी स्टार्ट कर दी, बिकॉज मेरा माई ब्रदर वॉज द वन हु वॉज सस्टेनिंग द फैमिली, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो सारा बोझ खुद उठाए, तो उसको हेल्प आउट करने के लिए मैंने भी एज टीचर स्टार्ट किया। शाम को मैं क्लासेस अटेंड करती रही और बच्चों को भी देखना, तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस फेस से भी गुजरवाया विद द सपोर्ट ऑफ माय ब्रदर एंड फैमिली, ये सब पॉसिबल हो सका। अच्छा, तो अब माशाल्लाह आप एस्टैब्लिश्ड हैं, काम कर रही हैं, जो ख़वातीन इस दलदल में फंसी हुई हैं, अभी भी फंसी हुई हैं और डरती हैं कोर्ट जाने से, उनके लिए कुछ सोचा है करने का आपने? जी डेफिनेटली, हम क्रॉस एज के प्लेटफॉर्म से, बिकॉज नाउ आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वुमेन को एम्पावर भी करें, उनको एजुकेट भी करें और लॉज को इतना स्ट्रेंथन करने के लिए हम कोई मिल के काम करें। और जैसे कि मुझे पता चला है कि माशाल्लाह यू आर ऑल्सो US एल्यूमिनाई, तो आप जैसे लोग अगर मिलके हमारे साथ काम करें तो हम लोग वी कैन ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इतना माशाल्लाह आप काम कर भी रही हैं, अपने बच्चों में ये करेज इंस्टिल कर पाई हैं, बिकॉज उन्होंने अपनी माँ को फाइट करते हुए देखा है, हार्डशिप्स फेस करते हुए देखा है? जी डेफिनेटली, मेरी यही कोशिश है कि मैं अपने बच्चों को एक प्रोडक्टिव सिटीज़न बनाऊँ, ना कि वो एक इनकम्प्लीट फैमिली के होने की वजह से वो ये फील करें कि शायद हमारे फादर नहीं हैं तो हम सोसाइटी में उस तरह से मूव ऑन नहीं कर सकेंगे। आई एम एम्पावरिंग देम एज़ वेल कि वो अपने आप को एक नॉर्मल सिटीज़न, एक अच्छे शहरी और एक मजबूत शहरी के तौर पे आगे आएँ। और मेरी कोशिश होगी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग इन द सेम स्कूल, एक रेनआउट लाहौर का स्कूल था, वहाँ पे अपने बच्चों की एजुकेशन भी कंप्लीट करवाई है और दे आर स्टिल इन द स्कूल लाइफ। तो मेरी पूरी कोशिश है अपनी बेटियों को ख़ास तौर पे इतना मजबूत किया जाए कि वो आगे आने वाला वक्त, क्योंकि और भी परेशान कुन नज़र आता है, तो वो इतनी मजबूत हो जाएं कि उनको फिर इस तरह से परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अच्छा, दोबारा से भी आपने शादी की, बड़ा मुश्किल रहा होगा किसी पे दोबारा एतबार करना, ट्रस्ट करना, बट यू हैव स्टार्टेड योर लाइफ। वो हस्बैंड आपके कितने सपोर्टिव हैं और जो आपके बच्चे हैं उन्हें कितना एक्नॉलेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ क्वाइट सपोर्टिव, ही बिलोंग्स टू द आर्म्ड फोर्सेस, ही इज़ मेजर इन द आर्मी। तो ये है कि उन्होंने मुझे, मेरे बच्चों समेत, ना सिर्फ उन्होंने बल्कि उनकी फैमिली ने, मेरी मदर इन लॉ ने बहुत ओपन आर्म से कबूल किया है, दे आर ऑल वेरी वेलकमिंग। और वो मेरे, उन्हें पता है मैं किस ट्रॉमा से गुजरी हूँ और उसमें भी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, मुझे कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं एक सिंगल मदर हूँ या मेरी ये सेकंड मैरिज है। और ये कि अब नाउ आई हैव अ डॉटर विद हिम एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे आर ऑल वेरी हैप्पी विद मी, और मैं भी अपनी फैमिली में बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट कर गई। अच्छा, सबा कुछ सोचा है, एक क्रॉस स्टिच के थ्रू से आप काम कर भी रही हैं, बट कोर्ट नहीं जाती ख़वातीन, डरती हैं जाने से और अदालती माहौल से डरती हैं, बट आप ना सिर्फ अपने लिए गई बल्कि खुद अब रोज़ी जाती होंगी, केसेस लोगों के लेती होंगी, कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन ख़वातीन को जो इस फेयर से नहीं निकलती हैं और एब्यूजिव मैरिज में रहती हैं, मारे खाती हैं और बुरे इन लॉज का रवैया बर्दाश्त करती हैं, कुछ कहना चाहेंगी कि वो हौसला करें और अपने राइट्स के लिए लड़ें? जी बिल्कुल, डेफिनेटली मैं सबसे पहले उनको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से एजुकेट करना चाहूँगी कि जैसा कि आपको पता है कि अल्लाह ताला भी कहता है जुल्म एक हद तक बर्दाश्त किया जाता है, इतना जुल्म बर्दाश्त करना भी अल्लाह ताला उससे पूछेगा जिसने जुल्म बर्दाश्त किया। तो व्हेन यू आर इन सच अ टर्मोइल और ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ लिविंग इन टू सच सिचुएशन के बच्चों के लिए गुजारा करना है, बच्चों की बेहतरी इस चीज़ में है कि आप उस सिचुएशन से निकल आएँ।
ये बात आपकी सही है कि मेरी फैमिली क्वाइट सपोर्टिव थी, सारी फैमिलीज इस तरह से सपोर्टिव नहीं होती। तो ये है कि हमारा जस्टिस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग और इतना लोगों को इंसाफ फौरी और अच्छे तरीके से फ्राहम किया जाए, रियासत के कानून को इतना मजबूत होना चाहिए कि ख्वातीन बेझिझक इस तरफ आएं। रियासती कानून और लीगल राइट्स को तो होना चाहिए मजबूत, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबा जैसा हौसला होना बहुत ज़रूरी है। जो स्ट्रेंथ इन्होंने दिखाई है, जो करेज इन्होंने दिखाई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर ये ना करेज दिखाती तो शायद उसी रिश्ते में फंसी रहती या किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहती, लेकिन ना इन्होंने खुद को किसी पे डिपेंडेंट होने दिया, ना बच्चों की डेवलपमेंट के लिए किसी को डिपेंडेंट होने दिया। सो आप बहुत इंस्पिरेशन है पूरी पाकिस्तान के लिए, उन औरतों के लिए। तो सभा से इंस्पिरेशन लीजिए जनाब, और अगर आपको लगता है कि आपके हालात वाकिफ नहीं है और आपके इर्द गिर्द सिर्फ पॉइजन है जो आपको डैमेज कर रहा है दिमागी तौर पर, मूव इन, आप निकल आइए उस चीज़ से बाहर, उस चीज़ से बाहर निकलिए, उस हालात से बाहर निकलिए, अपनी बच्चों की खातिर निकलिए और खड़े होइए अपने राइट्स के लिए। बिकॉज़ ज़िंदगी एक ही और अल्लाह ताला ने आपको भी उतनी ही वैल्यूएबल ज़िंदगी दी है जितनी एक मर्द को दी है। बहुत शुक्रिया सभा। इकरा, मैं एक मैसेज आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू एक लास्ट मैसेज ये देना चाहती हूँ कि कुछ ख़वातीन ने जिस जो इस तरह का कोई उनके साथ मिसहैप हो जाता है तो उनको एक तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है और लोग कहते हैं कि उनको फेमिनिज्म की तरफ ले जाया जाता है कि तमाम मर्द ही, अगर एक आदमी बुरा निकला है या एक शख्स माशरे का, देखें पांच उंगलियां बराबर नहीं होती। ठीक है, मुझे सपोर्ट करने वाले, मैं अपनी मिसाल दूं, अगर मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया, वो एक मर्द था, तो सपोर्ट ही मेरे वालिद और भाई ने किया है, वो भी किसी के हस्बैंड है, और माशाल्लाह मेरे एक मेरी शादी हुई है तो वो भी बच्चों समेत उन्होंने मुझे कबूल किया है। तो इसका मतलब है कि तमाम मर्द ऐसे नहीं होते, अल्लाह ताला ने सबको एक डेफिनेट रोल डिफाइन किया है। बट एक्सप्लोर योरसेल्फ, सबा जैसी हिम्मत दिखाइए जनाब, और अल्लाह ताला पे तवक्कल रखिए और अपने पाँव पे खड़े हुए बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सबा आपका, और आप इंस्पिरेशन है। तो जनाब यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, सभा को खुदाफिस करेंगे, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, हमारा सेगमेंट है फेसेस ऑफ एक्सचेंज, इसकी जानिब चलते हैं। वेलकम बैक जनाब, और मेरे साथ जो दो फेसेस ऑफ एक्सचेंज आज मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ करा दूं। पहले तो एक उस्ताद मेरे साथ हैं, टीचर्स ट्रेनर हैं, प्रोफेशनल लिंग्विस्टिक हैं, फाउंडिंग डायरेक्टर हैं CTL की UMT के अंदर, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ दरगाहों से मुंसलिक रही हैं। सादिया आसफ इनका नाम है, स्टेट डिपार्टमेंट के एक्सचेंज प्रोग्राम पर ये भी जा चुकी हैं। वेलकम टू द शो सादिया, थैंक यू सो मच। और इनके साथ मौजूद हैं, अक्सर आपने देखा है कि हमने अपने प्रोग्राम्स में एंटरप्रेन्योर्स बुलाए हैं, साइंटिस्ट बुलाए हैं, टीचर्स भी आ गई हैं, और भी बहुत सारे लोग आते हैं, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट एक्सचेंज डिपार्टमेंट के थ्रू हम एक यंग पॉलिटिशियन से आपको मिलवाने वाले हैं। राना सिकंदर हयात साहब, ये प्रेजिडेंट PMLN कसूर से ताल्लुक़ है इनका, हेड ऑफ़ लोकल गवर्नमेंट कसूर को भी ये देखते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे काम कर रहे हैं सोशल और कम्युनिटी लेवल पे। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि IVLP के थ्रू एक्सचेंज प्रोग्राम है स्टेट डिपार्टमेंट का, उसके थ्रू ये बाहर गए, एक अवामी नुमाइंदा होने के नाते वहाँ पे से क्या कुछ सीख कर आए और किस तरह यहाँ पर उसे इम्प्लीमेंट किया, ये भी हम इनसे जानेंगे। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू जी। स्टार्टिंग फ्रॉम यू मैम, आप बेसिकली एक टीचर हैं और वैसे तो इनका काम सिखाना होता है, बट आप खुद भी माशाल्लाह बहुत सीख कर आई हैं, सो एक्चुअली व्हेन यू वेंट देयर तो किस तरह एक्सपोजर आपका बढ़ा, क्या कुछ नई चीज़ें नई जहतें आपने देखी जो आप समझते हैं बहुत ज़रूरी थी उस वक्त पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक डिस्कवर पाकिस्तान फॉर दिस अपॉर्चुनिटी दैट दे हैव गिवन मी टू टॉक टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जब हम लोग गए हैं एक्सचेंज प्रोग्राम पे और वहाँ पे हमारे साथ और भी टीचर्स थे, और हमने ये रियलाइज़ किया कि ये जो एकेडेमिया में कोलैबोरेशन और एक सीखने सिखाने का जो अमल है इसको हमेशा जारी रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें जो कल्चरली हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं, और टीचर्स तो एट टाइम ऐसा होता है कि वो समझते हैं कि हम तो सिर्फ सिखा ही सकते हैं, सीखना शायद हमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन टीचिंग एक ऐसी स्किल है कि जिसमें मुसलसल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो स्टूडेंट बॉडी है वो हर साल चेंज हो रही है, और हमारी हर आने वाली जनरेशन जो है वो बहुत यूनिक है, और उनकी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बहुत यूनिक हैं।
लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली हम अपने टीचिंग स्टाइल को उनकी लर्निंग स्टाइल के साथ मैच नहीं करते हैं. तो इस कोलैबोरेशन के बाद हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हमारे टीचर्स जो हैं वो अवेयर हुए हैं इस चीज़ से कि हमें मुसलसल इस प्रोसेस में से गुजरना है, और हमारी टीचिंग को हमने मुसलसल जो है वो अपने स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल के साथ मैच करना है. और वो जो हम आजकल की जनरेशन है जिसको हम कहते हैं कि 21st century जनरेशन, दे हैव अ वेरी डिफरेंट डिमांड्स फॉर टीचर्स. तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी था. और उसके बाद से आई वुड रादर से कि हमारे और हमारे जो पीयर्स हैं हम लोग सब वी आर मोर अब्सॉर्बेंट टूवर्ड्स न्यू स्किल्स. कि हमारे जैसे दिमाग को कहते हैं कि रोशन होना और चीज़ों को बहुत जल्दी से लर्निंग की तरफ लेके जाना और हर वक्त सीखते रहना, इंस्टेड ऑफ़ ये कि हम दूसरी हमेशा लाइक अ सेज ऑन द स्टेज वाला किरदार अदा करें. अब हम जो है हमें पता है कि वी कैन ऑल्सो बी ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टेज एंड वी शुड लर्न एंड ऑलवेज कीप लर्निंग. बहुत अच्छी बात है, बिकॉज जब आपको ये लगे कि आप बहुत सेल्फ अकॉम्पलिशमेंट हैं और सब कुछ आपको आ गया है, वहाँ से ही एक्चुअली आपका जवाल शुरू हो जाता है. अच्छा, राना सिकंदर हयात साहब, सर बेसिकली एक पॉलिटिशियन से तवक्को ये की जाती है, एक अवामी नुमाइंदे से ये की जाती है कि सारे मसाइल का जो हल है वो आप लोगों के पास मौजूद होता है. और फिर जब आप लोग बाहर जाते हैं तो फिर कंपेयर भी लोग इस तरह करते हैं, लेकिन अक्सर एक चीज़ भूल जाते हैं कि यहाँ के डायनामिक्स और वहाँ के डायनामिक्स में बहुत फ़र्क है. सो व्हेन यू वेंट एक्चुअली देयर, सो कौन सी ऐसी की नोट थे या फिर कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको लगा कि इंडिविजुअल होने के नाते आप वापस आकर कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर ऑन दिस वंडरफुल प्रोग्राम. आई एक्चुअली वेंट फॉर माय अंडरग्रेड, सो आई न्यू द वेस्ट प्रीटी वेल, बट जो मैंने चीज़ें वहाँ पे देखी, और वी वर अ ग्रुप ऑफ 5 मेयर्स एंड फ्रॉम DC टू एवरीवेयर इन द US वी हैव इज अ गुड ट्रिप व्हिच majorly consisted on how we should make a policy, what's sustainable development, and sabse interesting baat ye hai ki Pakistan mein politicians ko wo jis tarike se dekha jata hai ki ye inke ancestors politics karte the aur phir ye bhi karte aa rahe hain. And when I discovered we went to Chicago aur wahan ki municipality mein hame pata chala ki there is only one family that is ruling Chicago, and except once in the last 50 years they were becoming mayors and they were delivering as well. सो बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरह की थी. इसमें हमने बहुत सीखा. फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लाहौर हैज़ डन एक्सेलेंट वर्क ओवर द पास्ट 15 years, एंड व्हाई कराची वाज लेफ्ट बिहाइंड बीइंग अ पोर्ट सिटी, वी हैड डिफरेंट मॉडल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड ऑन व्हाट दे वर डूइंग ऑन देयर पोर्ट्स एंड हाउ दे वर ग्रोइंग एंड इंटरलिंकिंग डिफरेंट सिटीज टू सेव ऑन फ्यूल, हैविंग एक्स्ट्रा थिंग्स इन टर्म्स ऑफ they were doing a lot of work on the youth, jinki upcoming ugly generations thi. But sabse zyada achhi baat jo mujhe wahan pe jaake lagi aur jo maine yahan pe aake implement ki, that was sustainability. On if how you have to make a project is easy, but make sure that it keeps running for the next 2 decades or 3 or 4, whatever the lifespan is, very important. To us hawale se main samajhta hu ki humne phir when we came back, हमने कसूर के अंदर sustainable project सीखी. एक water filtration plant लगाना आसान है, but वो 6 महीने बाद बंद हो जाए, इससे बेहतर है you find a way. So we engage the community, and we have alhamdulillah plants running for now as well. इसी तरह हमने sustainable model पे साफ देहात में काम किया for the rural sanitation, because Pakistan is about 75% of it is rural. और इस interconnectivity of different cities, इसमें farm to market roads थी, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की थी जो रूरल एरिया को सिटी से कनेक्ट कर रही, और इट सेव्स यू लॉट ऑफ टाइम, इट सेव्स यू ऑन योर फ्यूल अगेन एंड देन अगेन इट्स एक्सीलेंट फॉर द लोकल रेजिडेंट्स. बिल्कुल ठीक. अच्छा सादिया, मुझे ये बताइएगा, ज़ाहरी बात है हर मुल्क की अपनी, जिस तरह मैंने इनसे बात की कि डायनामिक्स मुख्तलिफ होती हैं, आपको क्या लगता है यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एक्चुअली टीचर्स के लिए उस तरह मुनक्किद नहीं होते? प्राइवेट सेक्टर करवा दे तो करवा दे, गवर्नमेंट सेक्टर पर ना होने के बराबर होते हैं. तो जब आप वापस आईं तो आपने इस हवाले से कुछ सोचा कि अपनी ओन पे जो नॉलेज आपने गेन किया है वो कम्युनिटी तक ट्रांसफ़र किया जाए? बिल्कुल, हम लोगों ने पूरा एक सेंटर जो है वो यहाँ पे बनाया हुआ है जहाँ पे के टीचर्स की ट्रेनिंग होती है. और वो ना सिर्फ हमारे ख़ुद की यूनिवर्सिटी की ट्रेनिंग, यूनिवर्सिटी टीचर्स जो हैं उससे फ़ायदा लेते हैं, बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए वो ओपन है. और हमने डिफरेंट स्कूल्स जो हैं उनमें भी जाके टीचर्स की ट्रेनिंग की है, क्योंकि हमारे पास एक पूरा पूल है जो कि US से ट्रेंड होके आए हैं, और वो लोग अब हमारी एक रिसोर्स पीपल की तरह हैं जो कि बहुत
हमारे साथ मिलके कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, तो हम लोग अपने आप को लिमिट नहीं कर रहे बल्कि हम आगे एक्सटेंड करते हैं अपनी जो स्किल्स हैं जो हमने लर्न किए हैं. और हम वैसे भी पाकिस्तान की सिचुएशन जो है दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज वी नो दैट देयर आर सो मैनी पीपल हु आर और स्टूडेंट्स हु आर ड्रॉपिंग आउट ऑफ द स्कूल. आप अगर देखें तो हमारी पॉपुलेशन जो है इट्स लाइक 7 million स्टूडेंट्स हु आर सपोज टू बी इन स्कूल दे आर आउट ऑफ स्कूल और उसमें ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है. इट्स लाइक 50% हमारे स्टूडेंट एनरोल होने के बाद ड्रॉप आउट होते हैं. तो उसमें हम और ज़्यादा इकोनॉमिक्स को भी उसमें हम लेकर आते हैं. बट टीचर्स जो हैं उनको भी हम उनका रोल भी है इसमें. इफ़ स्टूडेंट्स आर नॉट हैव नॉट बीन एबल टू डेवलप अ रिलेशनशिप विद द टीचर और टीचर हैज़ नॉट बीन एबल टू टीच देम द वे शी इज़ सपोज टू, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनका दिल नहीं करता कि हम वापस स्कूल में जाएँ. बिल्कुल सही. तो उसकी वजह से हमारा ये जो डायलेमा है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम रिटेन नहीं कर पाते हैं. और ये हमारे सिर्फ स्कूल लेवल पे नहीं है, ये हमारे हायर एजुकेशन लेवल पे भी है कि हायर एजुकेशन में भी लोग एनरोल होते हैं लेकिन उसके बाद वो ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं बिकॉज़ दे फील कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही. तो वहाँ पे हम टीचर्स जो हैं उनको कसूरवार भी ठहरा देते हैं कि भाई ये आप ही की वजह से एंड यू शुड नो कि व्हाट आर हाउ दे वुड लर्न एंड यू शुड मेक थिंग्स मोर इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग फॉर योर स्टूडेंट्स. तो इसलिए टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जितने भी स्कूल टीचर्स हैं दे डू नॉट हैव दोज एजुकेशन की डिग्रीज लेकर के. दे आर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बट दे आर नॉट टीचर्स. दे नो देयर सब्जेक्ट बट दे डोंट नो हाउ टू डिलीवर दैट नॉलेज, हाउ टू टीच. तो अब बगैर उसके जो स्किल उनको चाहिए है उसके बगैर जब वो आ जाते हैं और उस क्लासरूम में वो खड़े हो जाते हैं how would they know that how they are supposed to keep their students engaged with their teaching process. to jab unko ye nahi pata hota to usme se bahut sare log jo hain wo jana shuru ho jate hain. to ye sirf hamare humne apne tak nahi rakha, hum apni puri community aur awareness bhi dete hain aur sabko ye batate bhi hain ki teachers ka bahut important role hai students ki learning mein, learning mein unki character development ke andar, personality enhancement ke andar samajhna chahe to bahut sare roles hain. राणा साहब मुझे ये सर बताइएगा कि आप जब बाहर गए तो बिकॉज यहाँ पर आप लोकल गवर्नमेंट के हेड हैं, कसूर में देखते हैं, वहाँ पर चीज़ें बहुत सेंट्रलाइज्ड हैं और कम्युनिटी की सतह पर बहुत काम करते हैं. शहरी अपने तौर पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं. जो इदारे हैं वो बहुत इंटरकनेक्टेड हैं बिकॉज़ लोकलाइज्ड बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं वहाँ पर. कम्युनिटीज़ बहुत एक्टिव हैं. स्टेट इटसेल्फ मुख्तलिफ स्टेट्स एम्पावर हैं, फिर आगे आगे सिटीज़ एम्पावर हैं. सो जो कॉन्सेप्ट आप देख कर आए वहाँ पर, ऑब्वियसली यहाँ पर पूरा तो नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते. लोग तो कहते हैं कि अगर आप देख रहे हैं काउंसिल को तो बस सारे अख्तियार आपके पास हैं, नहीं कर पाते. बट आप ब्यूरोक्रेसी के जुड़े होते हैं, हाथ आपके उनके आगे, और भी और मामलात होते हैं, फिर कैसे उसको एड्रेस करते हैं? जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों ने सबसे ज़्यादा काम जो अपनी इंस्टीट्यूशंस पे किया हुआ है वो ये है कि पाकिस्तान फॉर एग्जांपल के अंदर सबसे बड़ा इशू ये है. सो इफ़ पीएमएलएन इज़ इन पावर दे विल हैव देयर ओन पॉलिसीज, बट एज सून एज दे गो आउट एंड अनदर पार्टी कम्स इन, लेट्स से पीपल्स पार्टी और पीटीआई, सो दे कम्प्लीटली टर्न इट अराउंड. प्रॉब्लम ये है कि इंस्टीट्यूशन स्टेट के हैं, मुल्क के हैं, वो शुड रिगार्डलेस हैव पॉलिसीज ओवर, लेट्स से चाइना इज कम्प्लीटेड the 11th 5-year program successfully, we haven't even done one yet. Or municipalities mein, the irony is that in Pakistan from 2008 till 2015 we had no local governments. Aur phir local governments ko, it is the third year when we were elected 2.5 years after. Bilkul sahi. Hame dissolve kar diya gaya and it was a long battle. Hum Supreme Court gaye, we came back, these problems do not exist in the US. Wo aapko in cheezon mein aane hi nahi dete. For young people like us who have a lot of opportunities, I could have stayed there in the West and done a lot of things for myself and lived a comfortable life. But jo log yahan baith ke mehnat kar rahe hain, Pakistan ki liye cheezein kar rahe hain, when they see the institutions not sustainable and just policies going, for example, so I step out of office, the next person comes in will be deputy commissioner and he will probably be from Khushab or KP or Karachi and he'll have his own mind or her own mind. to is wajah se institutions ko bada loss ho jata hai. secondly main samajhta hu jo local governments ke kaam hai Pakistan mein unhe empower nahi karne diya gaya aur US mein sustainability is had tak hai ke jab abhi humne covid mein dekha ke New York ke governor ne aur mayor ne
प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स को कहा कि आप हमारे वेंटिलेटर्स नहीं लेके जा सकते, बिकॉज इट वॉज अबाउट द स्टेट. यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट से काम पार्लियामेंटेरियंस कर रहे हैं, हु आर सपोज्ड टू डू लेजिस्लेशन, बट दे आर डूइंग सीवरेजेस एंड लाइट्स एंड स्ट्रीट लाइट्स. तो आई गेस मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हमने वहाँ सीखी, हमने मेनली मैंने पाकिस्तान में आके सस्टेनेबिलिटी वाइज काफ़ी इस तरह की चीज़ें की लोगों को, और हमने जो आई वी एल पी भी वेरी थैंकफुल टू देम बिकॉज़ इट टुक अस अ वेरी लॉन्ग टूर एंड वी लर्न सो मेनी थिंग्स इन टर्म्स ऑफ आवर बजटिंग, इन टर्म्स ऑफ वेयर वी कैन सेव, इन टर्म्स ऑफ वेयर वी कैन डू जॉइंट वेंचर्स, इन टर्म्स ऑफ व्हाट टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड राइट नाउ. फॉर एग्जाम्पल द वर्ल्ड इज़ मेकिंग रोड्स विद प्लास्टिक वेस्ट और हम अभी तक वहीं खड़े हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल दे हैड, आई मीन वी जस्ट हैड इलेक्ट्रिक कार्स इन पाकिस्तान, बट दे आर डूइंग इट सिंस 14 इयर्स एंड दे वर गिविंग, द स्टेट्स वर गिविंग फ्री चार्जर्स फॉर एनीबडी हु बॉट इन एन इलेक्ट्रिक कार. तो वो आपको एमिशंस में भी सेव करती है, उनके लॉज बेहतरीन हो जाते हैं. तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी इंप्लीमेंटेड, बट बहुत चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं है. एंड एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आई होप एंड प्रे दैट वी हैव मोर स्ट्रॉन्गर लोकल गवर्नमेंट्स वेयर वी कैन सी हाउ द वेस्ट इज डन सो wonderfully and we can contribute towards the GDP as well, towards our sustainability. Aur is tarah ke models bhi hain where they do not get, so our local governments in Pakistan have 50% of the budget coming from the province, whereas we can collect more than double of that ourselves as well, but we are not allowed. For example, there are certain institutions, 50% budget bhi aksar nahi milta, teen mahine nahi milta. For example, LDAs hain, TIPAs hain, VASAs hain, PHAs hain, they do not exist around the world, and if they do exist, they are under the municipality. There's no parallel structure going on. So public health housing is doing the same work as local governments. Wo bhi drainage dal rahe hain, provincial level pe sewerages dal rahe hain, aur local governments bhi yahi kaam kar rahi hain. We have PHAs beautifying the cities, the local governments are also doing the same. So overlapping of functions bhi kaafi zyada hain, but I'm hopeful that with strong local governments staying, we should gradually get there. अच्छा साथी, मुझे बताइए कि ब्रेन ड्रेन एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इस ये प्रोग्राम ऐसा है कि यहाँ पे ब्रेन्स तो लेके जाते हैं बट दे इवेंचुअली सेंड यू बैक ताकि वो सारी नॉलेज आप यहाँ पर यूज़ कर सकें. यूथ के साथ जो प्रॉब्लम है थोड़ी सी डायरेक्शन लेस आपको नज़र आती है, कई दफ़ा होपलेस हो जाती है हालात को देख के, आपकी कल्चर डायनामिक्स को देख के, इकोनॉमिक सिचुएशन को देख के, और किस तरह फिर कोशिश करते हैं आप लोग कि उन्हें वापस मोल्ड करके लाया जाए और उन्हें कनेक्ट किया जाए आज के दौर के साथ? देखें जी, जो न्यू जनरेशन है उसकी जो डेवलपमेंट है उसमें भी टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ है, और हम हमेशा से ये कहते आते हैं और हर टीचर्स ट्रेनिंग में हम उनको ये कहते हैं कि आप उनके मेंटर्स हैं, आप उनके लीडर्स हैं, आप उनके रोल मॉडल्स हैं. तो रोल मॉडल्स जब आप बनते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी करनी पड़ती हैं जो कि आप एथिकली और वैल्यू जिनकी जो है वो बेहतर हो और जो आप अपने स्टूडेंट्स को सिखा सको. बिल्कुल सही. और आपके कॉल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए, यू शुड डू व्हाट यू से, ठीक है? और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है. और हम हमेशा लाइक करेक्टर बिल्डिंग पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं बिकॉज स्टूडेंट्स बहुत सारी वैल्यूज़ जो हैं वो अपने टीचर्स की लेकर के जाते हैं. तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे टीचर्स जो हैं वो डिसिप्लिनड हों, हमारे टीचर्स जो हैं वो टाइम का भी ख्याल रखें, हमारे टीचर्स जो हैं वो इंस्पायर कर सकें, हमारे टीचर्स जो हैं वो मेंटर के रोल में आ सकें, हमारे टीचर्स जो हैं वो काउंसलर्स भी बन सकें. सो ये बड़ी एक डिफरेंट सी फील्ड है. इसमें आपने सिर्फ जाना नहीं है जाके क्लास में खड़े होके और बस जो आज का चैप्टर है वो पढ़ा के और आप निकल जाते हैं और आप कहें कि अब हम नेक्स्ट क्लास में आके टेस्ट ले लेंगे. ये आज के टीचर्स का ये रोल नहीं है. ये तो एक बस समझें कि एक 30% आप इसको कह सकते हैं कि जितने भी आप एग्ज़ाम्स लेंगे, जितने भी आप काम करेंगे और जितनी क्लासेस आप पढ़ाएंगे, जो कंटेंट डिलीवरी है वो 30% तो हम कह सकते हैं, लेकिन 70% रोल्स जो हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी हैं टीचर्स के ऊपर. और टीचर्स में वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो सारी क्वालिटीज़ उनमें चाहिए हैं कि वो हमारे आने वाली जनरेशन को डेवलप कर सकें. तो ये हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे टीचर्स पहले उस वाले मॉडल में आ जाएं जिसको कि देख करके अगली वाली जनरेशन जा सके. जहाँ तक आप कह रही हैं कि आजकल के यूथ जो है वो वाकई में उनके साथ बहुत सारे इश्यूज़ हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से भी हैं, आजकल ड्रग्स का बहुत ज़्यादा इशू है हमारे माशरे में और हम इसको हर वक्त ड्रग फ्री सोसाइटी बनाने और स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स को तो बहुत ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करते रहते हैं. इसमें मुख्तलिफ टाइम पे इवन गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और वाके रैंडम चेकिंग भी कर रहे हैं.
ये वाले इश्यूज़ जो हैं ये प्रॉब्लम्स तो दे रहे हैं, लेकिन जब हम टीचर्स के साथ स्टूडेंट्स को कनेक्ट करते हैं और स्टूडेंट्स जब फ्रीली आके टीचर से बात करते हैं, यानी कि टीचर एज अ काउंसलर जब हो जाते हैं, तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को संभाल सकते हैं। शायद इतने पेरेंट्स भी अपने बच्चों को नहीं संभाल सकते। थोड़ी सी कि आपको स्टूडेंट्स की साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ पे काम करना, ये भी आपको बहुत ज़्यादा बाहर से मिलती है, बिकॉज हम अक्सर देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं आप मेंटल हेल्थ के ऊपर, और स्पेशली सोशल मीडिया जब यूज़ कर रहे होते हैं बच्चे, तो उसके ऊपर भी हमें नहीं पता होता, बट एट द बैक एंड आप नज़र रखना उन्होंने शुरू कर दिया। इवन जॉब क्वालिफिकेशंस के ऊपर भी वो देख रहे होते हैं कि स्टेटस कैसे ये स्टूडेंट जो है वो लगा रहा है, आइदर ये हमारे लिए सूटेबल भी है कि नहीं। अच्छा राना साहब, बींग अ पॉलिटिशियन और माशाल्लाह यू हैव एन इंटरनेशनल एक्सपोजर, पढ़ने भी गए, स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी गए, अक्सर होता होगा लोग तनकीद का निशाना बनाते होंगे, आपको क्या पता, आप तो बाहर रह कर आए हैं या बाहर से पढ़ कर आए हैं, आपको क्या पता हमारे क्या हालात हैं, सो हाउ यू एड्रेस दिस इशू? आई व्हेन आई इनिशियली गॉट हियर वाज वेरी डिफिकल्ट, बट व्हाट आई पर्सनली फील इज के पाकिस्तान के लोगों की तनकीद भी जायज़ है, एंड यू हैव टू डेवलप अ लॉट ऑफ पेशेंस टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे तनकीद जरूर कर रहा है, बट यू हैव टू think on where he's coming from. For example, we were just talking about our teachers, their schools which do not have classrooms, and this is May right now. You walk into a number of schools that I can tell you, still in Kasur, and those young girls studying outside in heat, their parents are worried and mad at you. They have a valid reason. You have to make sure that you tell them that you put it in the next EDP. और मैं ये समझता हूँ दूसरी बड़ी कि पब्लिक सर्विस इज़ योर ओन चॉइस, आपको किसी ने ये नहीं कहा। हाउएवर आई डू वांट टू टेल द पीपल कि इट इज़ द सेम साइकिल दैट वी आर गोइंग ओवर अगेन एंड अगेन। आप गन फेंकते हैं, हम उसे उठाते हैं, फिर वापस उसे किसी साइड पे लेके जाते हैं, इट कम्स बैक टू यू इवेंचुअली। सो आप गन नहीं फेंकेंगे, हम कम गन उठाएंगे, कम बजट स्पेंड होगा, हम आपके स्कूल्स पे लगा सकेंगे। इसी तरह बहुत ज़्यादा चीज़ें सोसाइटी के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल टीचर्स are doing excellent work here, but a lot of teachers need a lot of training in the rural areas. I mean, we had a program where we were giving out free uniforms. So mujhe Rajanpur se social media mein messages aa jaate the, where they would just send pictures. Aur main samajhta hu ki as a politician, ye mulk jahan pe khada hai, isme is mulk ki bureaucracy, armed forces and politicians have to sit down, make things better. लोगों का गुस्सा जायज़ है। अगर अभी 2022 में लोड शेडिंग हो रही है और 10 घंटे बिजली नहीं आ रही है, रिमेंबर व्हेन आई गॉट बैक फ्रॉम कनाडा, और हम तब उस ज़माने में स्काइप होता था, माई फ्रेंड्स यूज़ टू कॉल मी और वो बिजली चली जाती थी, आस्क मी कि पावर आउटेज है, आ जाएगी दो मिनट बाद, आई टू टेल दम लोड शेडिंग है, तो वो दे कुडंट रजिस्टर कि मुल्क में दुनिया है में ऐसे मुल्क हैं जहाँ भी बिजली नहीं आती। 2022 भी स्टिल देयर, उन लोगों के गुस्से भी जायज़ हैं। बिल्कुल सही, और सबसे बड़ी बात कि जब ऐसे लोग बाहर जाके एक्सपोजर लेके आते हैं, तो ये इनके अपने लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जिस तरह आज हमने प्रोग्राम में बात की सेल्फ रियलाइजेशन की और सेल्फ डिस्कवरी की, तो ये भी एज अ पॉलिटिशियन डिस्कवर कर सकें कि आइदर व्हाट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द कम्युनिटी एज वेल। सो बहुत शुक्रिया राना साहब आपका, बहुत शुक्रिया सादी आपका, बेशक आप अपनी अपनी डोमेन्स में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और मकसद यही था इन दोनों पर्सनालिटीज़ को इस सेगमेंट में स्पेसिफिकली बुलाने का कि बाहर जाकर वापस आना बहुत आसान होता है, लेकिन बाहर से जो भी आप एक्सपीरियंस गेन करके आएँ या नॉलेज गेन करके आएँ, इम्पॉर्टेंट ये आप अपनी कम्युनिटी और पाकिस्तानियों के लिए क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए ये दोनों अपनी अपनी कैपेसिटी में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, और आप भी कोशिश कीजिए कि आप भी देखिए कि आप अपनी कम्युनिटी में अगर आप बाहर नहीं भी गए तो क्या किसी की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। रास्ते से पत्थर भी उठाएंगे तो वो भी नेकी है। इसी के साथ ही आज का प्रोग्राम होता है ख़त्म जनाब, और अपने फीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, हमसे कनेक्टेड रहिए सोशल मीडिया के ज़रिए, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा के ज़रिए, और हमें ज़रूर बताइए कि अगर कोई ऐसी डिस्कवरी जो आप चाहते हैं दुनिया तक पहुंचे, तो हम उसे ज़रूर सामने लेकर आएंगे। अपना ख्याल रखिए और दुआओं में भी याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।